जी मुसीबत ही पै गए हैं। शादी दफ्तर खोल लिया है, मुसीबत ही पड़ गई है। हर बंदा हमारे पीछे लगा हुआ है, मेरी शादी करवा दे, मेरी शादी करवा दे। अजीब बात है, 180 साल मुझे बूढ़ी मिली है, वे तेरा कख ना रोवे, वे बीमारी पैणी है, वे मेरी भी शादी करा दे किसे 16 साल अमेरिकन दे नाल। मैं क्या की हो गया भाई, तेरे मुंह च दांद ही नहीं, तू अजीब गल्ला कर रही है। कहंदी दंदा नाल शादी दा की लिंक, अजीब गल है, अजीब मुसीबत पै गई है। और तो और इत्थे बड़े अजीब रिश्ते आ रहे हैं साढ़े लिए, जानवरों के भी रिश्ते आने शुरू हो गए ने। कहंदी साडी बिल्ली का विआह करा दिओ, लै मैं क्या अमेरिकन बिल्ला वेख्या उहदे नाल तेरा विआह करा देंगे। अजीब गल है, लो उतो साडा फोन भी, मैं लगता साडे फोन नूं भी कबज़ होई गए। हैलो कौन? अरे हाँ हाँ ठीक है, भिजवा दिए इधर। हाँ आपका पता भी यहाँ मौजूद है, तस्वीरें भी मौजूद है, मैनेजर साहब आने वाले, मैं उनको बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी ठीक है, ओके खुदा हाफिज। ओहो मैनेजर साहब पता नहीं कहाँ चले गए। मैनेजर साहब, अरे ओ मैनेजर साहब, ये क्या है? अरे कहाँ रह गए आप? ये चीख कौन रहा था? मैं। अरे तो आहिस्ता चीखा करो। क्यों? मेरे हाथ में से लोटा छूट गया। आदमी सुबह सुबह कोई जरूरी काम से भी बैठा होता है यार, अल्लाह माफ करे। बारह किसी का फोन आया? फोन किसी का भी नहीं आया, अभी एक फोन आया था मुझे। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मेरी तस्वीरें मैंने दी है, ड्रेस दी है। अच्छा अच्छा, ये बता रहा था। समझ में नहीं आ रहा, शादी का दफ्तर खोल लिया, हाँ। एक लड़की भी नहीं है। एक लड़की भी नहीं, मैं अपने अपने घर से ही कोई लिया हो यार। अपने घर से ला नहीं रहा, शादी के दफ्तर में आ गया तो नौकरी करने। मैनेजर साहब आप कितने अच्छे और शरीफ इंसान है। बस पैगा शरीफ होगा, शरीफ होता तो मैं सऊदी अरब में होता। आप कितने अच्छे शरीफ इंसान है, स्वाब का काम कर रहे हैं, लोगों की लड़कियों की शादी करवा रहे हैं। जी जी। और आपकी सारी भाग गई है। भाग नहीं गई, वो तो उनको मैंने जोकर लेके दिए थे, रेस में हिस्सा ले रही है ना, वो ओलंपिक में भागेंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, इसलिए वो समझ में नहीं आ रहा। घर खोल लिया, कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ना कोई लड़की आ रही ना कोई कस्टमर आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा जी। अल्लाह माफ करे, कोई फोन तो नहीं आया ना? अभी फोन आया था बस। क्या हाल है मैनेजर साहब? हैं जी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है ना। अल्लाह का शुक्र है जी। अरे वो तस्वीरें भेजी थी मैंने माशाल्लाह अपनी खूबसूरत सी बच्ची की। कौन सी वाली तस्वीर है? 15 तस्वीरें मैंने खिंचवा के भेजी थी मुख्तलिफ पोज में। हाँ वो जो बारिश में नहा रही है, और वो ऐसी ही लड़की की अमेरिका में जरूरत है। अच्छा, जो बारिश में नहाती हो। मेरी बच्ची को बहुत शौक है, वो तो कहती है मैं अमेरिकन ही लड़के से शादी करूंगी। अमेरिकन लड़के से ही शादी होगी, हमारे पास अमेरिका का लड़का ग्रीन कार्ड है उसके पास, यहाँ से लड़की को शादी करके वो अमेरिका ही लेकर जाएगा। अच्छा हाँ जी, बहुत शरीफ है मेरी बच्ची। अच्छा, अल्लाह ना करे किरदार की बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। अच्छा, इतनी शरीफ है, मकान मालिक किराया मांगने आया, मैंने बच्ची को मुंह पे करवा दिया, 6 महीने हो गए किराया मांगने नहीं आया। अच्छा माशाल्लाह बहुत शरीफ है मेरी बच्ची, कसम खुदा की। हमारे इलाके में भी रहती है एक औरत। कौन? वो भी बड़ी शरीफ है। अच्छा? इतनी शरीफ है, इतनी शरीफ है, 12 बच्चे हैं, काय की शरीफ है वो। बाकी जी बहुत शरीफ है वो, हर थाने में उसकी तस्वीर लगी हुई है। माशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत शरीफ है, बहरहाल घर से कदम बाहर नहीं निकालती। अच्छा, रस्से से बांध के घर के दरवाजे के अंदर ताला लगा के रखा, बाहर नहीं निकालती कदम। वेरी गुड। जब मोटरसाइकिल की आवाज सुन लेती है गम देने से बैठ के निकल लेती है। मोटरसाइकिल की आवाज में भागती है? हाँ, बैठ के। वेरी गुड, फिर तो उसको ये भी पता होगा कि किस किस गली में स्पीड ब्रेकर है। हाँ। माशाल्लाह बड़ी शरीफ बच्ची है बहन की। मैनेजर साहब बस अमेरिकन ही लड़का चाहिए। अमेरिकन लड़के का रिश्ता है। हाँ? मैंने आपका एल्बम जो है वो साहब को दे दिया है। अच्छा? साहब अब तस्वीरें देख लेंगे, उसके बाद फैसला होगा कि आपकी बेटी कबूल है या नहीं कबूल है। उसके अब्बा को टीवी है। अच्छा, मैं कह रही हूँ अस्पताल में दाखिल करवाया, अस्पताल ले गई अपनी बच्ची को, डॉक्टर साहब ने बेड समेत अब्बा को घर पहुँचा दिया, फीस भी नहीं ली। आप रिश्ता फटाफट करवा देना, मैं जा रही हूँ। आप एड्रेस लिखवा दो अपना। हाँ आइए आइए, लिखिए। जी जी फरमाइए, क्या है एड्रेस, क्या है आपका, आपके वालिद का नाम क्या है? मेरे वालिद का नाम? हाँ जी। या उसके वालिद का नाम आपके बता दो ना। गुजर सिंह। गुजर सिंह। गुजर सिंह ठीक है। मारा नाम आज है जी। जी मेरे अब्बा का गुजर सिंह जी हो गया। हो गया। आपका नाम? मेरा नाम? हाँ जी। मेरा नाम मीना कुमारी। मीना कुमारी। हाँ। माशाल्लाह मीना कुमारी, राजकुमार इनके दुख में मरा। अच्छा, बेटी का नाम क्या? मधुबाला। मधुबाला। हाँ। कैसा लगा ये ताला? नहीं चलो कोई बात नहीं। एड्रेस? एड्रेस तो मैं समझ गया, सुनसान गली
जलीलों का घर है? कमीना मोहल्ला। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, साहब आएंगे मैं बता दूंगा आप। चलो अस्सलाम वेरी गुड। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो ये अच्छा हो गया, कस्टमर आना शुरू हो गया। बिल्कुल, अब हमारा काम हो जाएगा। अब हमारा जा मस्जिद में जाके ऐलान करवा दे क्या कि ये भैंस किसकी पागल हो गई है। आज जो बच्चा पूछा था वो लौटाने के लिए। इधर उधर क्यों भाग रहा है? ऐसे 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 ना करा करो। क्यों? कोई बंदा इस काबिल भी नहीं होता। ये तो मेरी पुरानी आदत है, पुरानी चाकू छुरी तेज करती थी मैं। अब है कौन? आ मैं हुसैन दी किला जाने को। कैसे कारतूस छोड़े मैं? आप किलाशन को वो जी मैगजीन कहां से डलता? मैं तेरा बेड़ा करके तूने देखा नहीं कभी? क्या मैगजीन? हाँ। अरे यहाँ क्यों आयो? तेरे नाल 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 नाल। इधर मर काय के लिए आए यहाँ पे? शादी के सिलसिले में आई हूँ। अबे तू भी शादी करेगा? क्यों, हम क्यों ना करें? अच्छा। औरतें कर रही है, मर्द कर रहे हैं, हम कैसे घूम करें? अच्छा शादी करोगे ना? हाँ, जनाजा जायज करने आई हूँ। ठीक है, हमारा तो जनाजा किसी ने देखा ही नहीं आज तक। सही बात है। लिखो ये बताओ क्या क्या खूबी है तुम्हें? मेरे में? हाँ जी। एक से एक खूबी है। क्या? सबसे बड़ी खूबी मेरे में ये है। हाँ। मेरी इनकमिंग फ्री है। तुम्हारी इनकमिंग फ्री है ना? हाँ। हमारी तो रूमिंग कटेगी ना। हम तो फॉरनर हैं। फॉरनर? फॉरनर की रूमिंग नहीं कटती, रूमिंग बच्चों की कटती है। और क्या खूबी है? मेरे में बड़ी खूबी है। क्या? मैं किसी को मना नहीं करती। हैं? हर फंक्शन में चली जाती हूँ। कैसा भी फंक्शन है, बड़े से बड़े बदमाश का खुद जाके बोलती तेरा फंक्शन नहीं है। अच्छा ये बताओ कि शोहर किस किस्म का होना चाहिए? ऐसा शोहर हो, हाँ जी, अल्लाह माफ करे, जब शाम को कारखाने से वापिस आए, हाँ जी, तो मेरे लिए मेकअप का सामान लाए, हाँ जी, और ब्लेड भी लाए। ब्लेड किस लिए? हमें जरूरत पड़ती है दोनों चीजों की। अच्छा और क्या खूबी होनी चाहिए मेरे में? मतलब ये है कि बच्चे कितने होने चाहिए मेरे? हाँ जी। जितने बिल्ली के होते। वो क्यों? अच्छा बिल्ली 8-8 बच्चे थे हमारे। तुम्हारे यहाँ कभी बच्चा हुआ? एक दफा हुआ था। हाँ। सबको प्यार आ गया, चूम चूम के मार दिया। वैसे एक बात बताओ। हाँ। बड़ा अच्छा सवाल है ये। क्या? तुम्हारी शादियां तो होती नहीं है। अच्छा फिर तुम्हारी नस्ल कैसे बढ़ रही है? हाँ, हमारा ट्रेडमार्क कौन सा है? ट्रेडमार्क ये बढ़ गई ना। किसी तरह भी चार और नस्लें बढ़ा के आई। अच्छा ये बताओ तुम्हारा घर किस किस्म का होना चाहिए? हमारा घर होना चाहिए चौक में। वो क्यों? ताकि हर आदमी चौंके। अच्छा चलो, सवारी कौन सी पसंद है? मुझे? हाँ जी। ऊंट की। ऊंट की क्यों? कभी ऊंट को चलते हुए देखा? हाँ। आगे तो खुद समझदार है। अच्छा नाम क्या तुम्हारा? नाम? मेरा नाम है बोलान मेल। बोलान मेल? हाँ, कराची से निकलती हूँ 3:35 पे। कोयटा पहुंचती हूँ दूसरे दिन शाम 5:45। अच्छा कोयटा जाती हो? हाँ। अच्छा? लेकिन अब नहीं जा रही। वो क्यों? दो इंजन लगते हैं। बड़ी चढ़ाइयां चढ़नी पड़ती हैं। अच्छा बारा अकेली आई है कोई और साथ? मेरी बहन भी आई है। वो? हम अपने बच्चे के रिश्ते के लिए आए। अच्छा बुलाओ अपनी बहन को। बुलाओ। बुला रही हूँ। बुलाओ। ए बाजी अंदर आ जा। Come on, 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 come on
लिए हाँ। मैं बात सुनो, जल्दी जल्दी मेरी बाजी की शादी करा दो, फिर मैंने इलेक्शन पे भी खड़े होना है। तुम इलेक्शन पे खड़े होगी? हाँ हाँ, मैं इलेक्शन पे खड़ी होगी। हमारे तो नारे अजीब होंगे। क्या होगा? न झुकने वाली, न बिकने वाली, खोए वाली मलाई वाली। खोए वाली मलाई वाली, हम अल्लाह वाली, अल्लाह वाली। बाजी ये मेरी बाजी है। अच्छा जी, मुझे जानते हैं मेरे नाम क्या है? आपका नाम क्या? नाइट कोच। नाइट कोच? जी जी। मेरी बाजी का नाम है शीतो लिफ्टी, मेरी मासी का नाम है सीमो सिमटी, मेरा नाम है मीता 50-50। वो तो 50-50 लग रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। अल्लाह माफ करे। क्या अल्लाह माफ करे? क्या अल्लाह माफ करे? ज्यादा बात ना करो मेरे साथ। हाँ हाँ, क्या हो गया? मुसलमानों, मुझमें इतना हौसला नहीं है भाई। सीने नाल लागे बस करते। पहले तो हमला करना, मैं कहां से हमला करूं? मेरी पिस्तौल काम नहीं कर रही। माफ करे, ये है कौन? वैशी खुसरा। वैशी खुसरा ना बोल रही हो? क्यों? मैं तेरी अम्मी को तलाक दवाई है। वैशी खुसरा क्यों? क्यों कह रहा मुझे वैशी खुसरा? इसका मुंह देखो, जिसके पास तुम आकर रुक गए बाजी, ऐसी शक्ल पता कब बनती है? कब? जब कोई कान में तीली मारता हूं। और ऐसी शक्ल कब बनती है पता है? जिस वक्त हम जब बिजली का बिल ज्यादा आ जाए। हमारी तरफ तो बिजली का बिल आता ही नहीं, हम तो मोमबत्तियां रखते हैं जब जी चाहा। मुझे ये बताओ, शादी किसकी करनी है? तुम्हारी करनी है, इसकी करनी है? नहीं, अल्लाह माफ करे, मेरी क्यों शादी करनी? मेरे तो दो बच्चे हैं, मेरी बेटी की शादी करनी है, निर्मा की। निर्मा खड़ी है। मामू किधर से? अल्लाह माफ करे, मेरे किधर से ही भाई है? उसकी शक्ल देखो, मुझे देखो,
चंदा मामू मेरी शादी करा दो ना। अरे लेकिन तुम्हारी शादी मुश्किल है यार। मेरी शादी मुश्किल है क्यों? मेरी तीन सहेलियां थी। हाँ? तीन सहेलियां, तीनों माजूर थी। अच्छा। एक बेचारी की बाजू ऐसे थी। हाँ? एक बेचारी लंगड़ी थी। हाँ? और तीसरी कानी थी। हाँ? मैं तो अच्छी बली हूँ, वो तीनों गाना गा के अपनी माजूरी को कवर कर लेती थी। बताओ बताओ बच्ची कैसे कैसे? उसकी बाजू खराब थी ना, वो गाती थी हाय वीणी नाम रोड़ी सचिया। और जो लंगड़ी थी ना, हाँ जी, वो भी गाना गाती थी। कैसे? हाय कांटों पे चलती और जो तीसरी कानी थी ना, हाँ, वो तो छलांग लगा के गाती थी हाय भी ऐसा जान के मीठी ले निकालो। आज कोई बटन दबा के भूल गया। हाँ। चंदा मामू मेरी शादी करा दो ना। देखो एक बात, हमारी बच्ची की शादी करा दो। मेरी बच्ची की शादी करा दो। हाँ। मेरी बच्ची बहुत पखी हुई है। ठीक है, इसकी शादी हो जाएगी। जी जी। आप एक काम करें, हमने अपनी एक ब्रांच जो है ना, हाँ, वो पिशावर में भी खोली हुई है। आज सत्यानाश कहाँ खोली है? पिशावर में। और तू हमारी भी ब्रांच बंद करवाएगा? नहीं नहीं, हमने पिशावर नहीं जाना। तो फिर एक काम करो, आप अपना नाम बता दो, एड्रेस लिखवा दो। नाम? हाँ जी, हमारे मैं अपना असल नाम तुम्हें बताऊं? जी। फील्ड का नाम तो मेरा बबली है जी। वैसे मुझे हाजी असगर कहते हैं। अच्छा, हाजी असगर, ठीक है जी। आप अपना नाम बताओ जी। बोलान मेल। बोलान मेल, ठीक है। 17 डब्बों के साथ। 17 डब्बों के साथ। आपका नाम क्या है? बेटा क्या हो गया, नाम बताओ, ये तो अपना काम है। मेरा नाम है ललार अली, वैसे मम्मी मुझे निर्मा कहती है। निर्मा, ठीक है जी। आप लोग एक काम करिए, आप लोग बाहर बैठ जाओ, साहब आएंगे मैं उनको बता दूंगा कि आप लोग शादी के लिए आए। हमारे बच्चे की शादी होनी चाहिए, और हम तेरा दर छोड़ के नहीं जाएंगे। आप ठीक है, बाहर बैठिए प्लीज। हम भाई बैठे। जी जी। साहब आप कहेंगे नहीं हमारे होते हुए? साहब आएंगे। चलो जी। बारी बारी लाइन कराना, बारी बारी। हाँ सदके जाओ। हाँ भाई, आई लव यू। चुम्मा दे दे जाने। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्यों क्यों नहीं दे रहा मैं चुम्मा? चुम्मा दे दे जाने। 70 खुसरों की नानी। चलो इधर। ये अंदर कैसे आए बगैर लाइसेंस वाले लोग? पता नहीं। ओए शाजिया मंजू, चल। शाजिया मंजू, बस मुझे नहीं पता, मैं आई तो कुछ नहीं पता तुझे, तो ये नहीं पता कि तू खुसरा है? इतना नामालूम खुसरा मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में। मुझे गौर से देखो। क्यों देखूं, क्या करवा लूं? बस मेरी तबीयत खराब हो जाए, गौर से देखूं? नहीं नहीं पप्पू, कुछ ना देख, तू कुछ ना देख, मैं देखूं। मैं तुम्हें देख रही हूँ पप्पू। मुझे पांच कौन? पप्पू कौन? तो पप्पू तुम तो जो तो कह रही है जानी देख नहीं ला। चुम्मा दे दे। मैं कह रही हूँ चुम्मा दे दे। मैं तेरे मुंह पे थप्पड़ दूंगा। अनेड़े आ खाना। तुम्हारा जंगल भी आता जुम्मे को? नहीं। What nonsense, क्या हो रहा है ये? मैंने ये शादी का दफ्तर है तो हम, और तुम्हारा शादी से क्या ताल्लुक है? खाना खराब हो सारी तुझो हमारी बदुआ ना लेना। तुम्हारी बदुआ ना लेना। तू कौन है? हारे वाली दे रहे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने आग लगा देंगे, मैंने रखनी है। मेरी बात सुने गौर से। जुलम न करे। खुसरे का प्यार तो पुलिस दिमाग कोई भूल नहीं सकता बाबुआ। बेगारत 1000 रुपया लेके नू।
चलो बाहर निकल बाहर। मैं कह रहा हूँ बस ना करें। खबरदार साथ आगे बहुत ज्यादती हुई है, मैं यहाँ आ रही थी कसम से बहुत ज्यादती हुई है। एक चाचा रेहड़ी वाला जा रहा, मैं कह चाचा किनू किस तरह लाई नी, कहने जिस तरह तू लाए ने। दिमाग खराब हो गया तो फिर उल्टी सीधी बातें यहाँ पे आके करना शुरू कर रहा है। जाओ बाहर जाकर बैठो, चलो जब कोई शादी वादी वाले आएंगे तो बात कर लेंगे। हाँ भाई तो ये इस खुसरे को तपे दीजिए, ये हमारे में सबसे स्मार्ट खुसरा यही है। माशाल्लाह मुझे दोनों प्यार करती हैं, दोनों ने इकट्ठे चप्पी डाली तो मैं बीच में स्लिंग हो गई। मुझे अमेरिका पहुंचा दो, पहुंचाऊंगा मैं अमेरिका चाहता हूँ। ऐसी चीजें जाए, ऐसी चीजें अमेरिका जाए और जो कुछ वबा फैली है वही फैले। हीरोइन के बाद तुम सबसे मौलिक हथियार हो। जो अमेरिका जाना चाहिए, अमेरिका को पता लगना चाहिए कि हमारे पास भी कोई आइटमें हैं। हाँ तो हमें एक दबा भेज दे, फिर हमारी फायरिंग कैसे होगी? नहीं बस फायरिंग वायरिंग नहीं करनी, तुमने सिर्फ वहां रहना है। तुम्हारा रहना ही वहां आजाद है। जानू मुझे अमेरिका पहुंचा तो मुझे तो इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश में गाने भी आते हैं। रियली? हाँ, मैं इंग्लिश में गाना गा के साथ तर्जुमा भी कर देती हूँ। आप तो कोई अपने लगते हैं। बोलो बाहर, गेट आउट। अपने लगते क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ग्रुप लीडर हूं। गेट आउट। चलो बाहर आ जा बेटी, आ जा। क्या मैं बेटा? चलो छाबे चुम्मा दे दे जाने। अबे भाई अपनी औकात में रह, चुम्मा दे दे, मुंह देखो खाना खराब हो गया। क्या हो गया अल्लाह का करो। चलो छाबे ना की रोना क्या हमारे मुंह पे। हां बाहर जाके बैठो और जब कोई शादी का रिश्ता तय हो जाएगा तो तुम्हें बुला लिया करेंगे, उनके घर चले जाया करना, वहां से पैसे वैसे कमा लेना। चलो शाबाश। वैसे मेरी मम्मी आज टाइम निकाल के आई थी रिश्ता लेने के लिए। और तेरी मम्मी के पास तो टाइम ही नहीं है। हाँ, आज मम्मी ने टांगा भी नहीं चलाया। बात सुने जी, लला रही चंचल खुसरा 120 की स्पीड से आए ये लोग। अब तुमने इन्हें बाहर बैठने की इजाजत क्यों दी? तो सर मैं क्या करता हूँ, कम से कम यहाँ बंद कर रहे थे। मैंने बोला बाहर बैठ जाओ आप लोग। तमीज होनी चाहिए यार, कोई दफ्तर है? दफ्तर है कोई यार? तो काली को सीधा करो। तुम्हें काय के लिए रखा है क्लास के मुंह वाले? तो मैंने इसलिए रखा कि तुम्हें खुसरों को परमिशन दो आने जाने की। तो सर वो आगे में क्या? अच्छा भाई मैं मालूम ही नहीं इन बातों का कि क्या यहाँ से पेन कहाँ गया रे? येरा पेन। और तुम बता रहे थे कि तू शादी के दफ्तर के लिए, तुमने बताया था कि मुझे लड़का ग्रीन कार्ड है जो अमेरिका से आया। जी जी है जी। और उनको यहाँ लड़की चाहिए। जी जी। उसके लिए इश्तिहार चल रहा है जी। सबके टेलीफोन जा रहे हैं, उनको बुला के मीटिंग कराओ। मीटिंग एक खातून आई थी, उनका मैंने एड्रेस नोट कर लिया है। उन्होंने कहा था तुम्हारी भांजी भी बड़ी प्यारी है। मेरा कोई प्यारा नहीं, मेरा सब सैलाब में मर गया भाईजान। सब मर गया। कहा था अच्छा है बच्ची आ जाती तो मुस्तकबिल बन जाता उस बच्ची का। नहीं नहीं मेरा कोई ऐसा नहीं है। बारह वो लड़का अमेरिका वाला जो है ना, उसके रिश्ते आने शुरू हो गए। अच्छा, दो तीन कॉल भी आई थी, मैंने अटेंड कर लिए। चलो बेहतरीन, बुला लिया बुला लिया जी। उनको यहाँ बुला लो, लड़के से मीटिंग करवा देंगे। ये अपने दफ्तर के बाहर क्या खड़े किए हुए? ये जी ये इम्तिहान है। ये किस किस्म का इम्तिहान है जी? ईमान का, मुसलमान के ईमान का इम्तिहान है। खुसरा चौकी, यदि आप खुसरा चौकी के ऊपर आप टूल दीजिए, उसके बाद क्रॉस कीजिए। तो बाउन को क्या टूल दूं? अच्छा खा छोड़े इन बातों को जी जी। ये आपने शादी के लिए इश्तेहार दिया बता ना अखबार के अंदर? हाँ जी, हम लोगों ने दिया है। वो अमेरिकन पलट लड़का आया हुआ है ना? हाँ जी। तो वो जी मैंने ना मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। आप कौन है, अपना बताएं कौन है, कहां से आई है, क्यों आई है, किसने भेजा, क्या काम है, क्या मेरा मसला क्या है, किससे सेट होना है आपने? वैसे तो जी जो दिल चाहे सेट हो जाए, मैं मना नहीं ना करती। मेरा नाम है जी रशीदन मुल्तानी। रशीदन मुल्तानी? हाँ जी रशीदन मुल्तानी। ठीक है। तो मैं ना शहर बताना जरूरी था मुल्तानी?
उससे क्या फर्क पड़ेगा, वही को नंबर बढ़ जाएंगे मुल्तानी होने से। नहीं तो बंदे का जहाँ से ताल्लुक होता वहाँ का बताएगा तो सही ना, अपना ताल्लुक खुला बताना चाहिए, समझ आई है ना। अरे हमें यहाँ समझाने आई हो? नहीं नहीं मैं कुछ नहीं समझाने आई थी, मैं तो शादी करने आई हूँ। शादी अभी तक नहीं हुई? नहीं ना, मैं बड़ी सुस्त औरत हो तुम, अब तक शादी नहीं की, हमारे पैर आ रही है कामा कामा, तुमने शादी क्यों नहीं किया? आराम से बैठो, मैंने शादी, तुम्हारी उम्र तक तो दो दो शादी हो जाती है औरतों की। मैंने नीना की शादी मैं नहीं कर सकती थी, मैं सोशल वर्क में लगी हुई थी। सोशल वर्क में लगी हुई थी तो ये हाँ। ये वर्क होमवर्क भूल गई, सोशल वर्क में होमवर्क भूल गई। अरे इंसानियत की खिदमत करना भी बड़ा काम होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसानियत की क्या खिदमत करती तू, चर्च में समोसे बांटती है? क्या खिदमत करती है इंसानों की? मैं इंसानियत की खिदमत करती हूँ, मैं बने हुए घर तोड़वाती हूँ। बहुत अच्छा, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, पैसों की भी कोई कमी नहीं है भाई। अच्छा शादी नहीं हुई? हाँ, या अल्लाह, मैनेजर मैं हूँ, मेन आदमी कंपनी का, वो तो नौकर है, तनख्वाह ना दो तो भूखा मर जाए। जा बैठो रशीदा। जी जी रशीदन मुल्तानी। चलो बैठो बैठो। हाँ जी, एड्रेस लिख ले मेरा। एड्रेस नहीं, अभी पहले कुछ बातें पूछनी। हाँ। तालीम कहाँ तक है तुम्हारी? हाँ जी। और तालीम बता। बस तालीम वही तक है जहाँ तक है। हाँ? और तालीम कहाँ तक है? बस तक है। तक है? हाँ हाँ, मैंने तक तक ही सिखाया हुआ है बस। मैंने कहा तक तक यही तालीम है तुम्हारी, बस खत्म। उनका मतलब है कि कितनी जमात पढ़ी हो? जमात तो मैं कोई 8-10 पढ़ी हूँ। अच्छा। हाँ जी, फिर ही बहुत है। हाँ ना, फिर ही बहुत हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है काफी तजर्बा हासिल किया मैंने, बड़ी तजर्बेकार। हम यहाँ अस्पताल नहीं खोल रहे, ये शादी का दफ्तर है, तुम्हारे तजर्बे हमारे किस काम के? आप ये बताइए कि आपको शोहर किस किस्म का चाहिए? बस ऐसी किस्म हो, ऐसी किस्म हो। बस बस कोई बहुत स्पेशल आदमी ना बता देना, ऐसी किस्म हो, ऐसी किस्म हो, समझ में नहीं आया किस किस्म का है। मेरे ख्याल से इनके लिए अनवर रटोल सही रहेगा। अनवर रटोल होता ना? हमारे पास साउथ अफ्रीका से एक रिश्ता आया, मैंने लड़के का नाम है जीरा लाला हुरल हुरल। लड़के का नाम जीरा लाला हुरल हुरल, वो तो सारी जिंदगी मुझे हुरल हुरल ही करता रहेगा। ऐसे ब्रो बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं, अगर ज्यादा गुर्बत हो जाए वो कबीले के लोग एक दूसरे को आपस में खा जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा खतरनाक मियां मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बड़ा शौक है अमेरिका जाने का, मैं अभी पैदा भी नहीं हुई थी तो अपनी अम्मा को चीख चीख के कहती थी अम्मा मुझे अमेरिका भेजी, अम्मा मुझे अमेरिका भेजी। शुक्र है ये नहीं कहा अम्मा मैंने अमेरिका पैदा करी, माँ मैंने अमेरिका पैदा करी, यही कह देती अम्मा से वही पैदा हो जाती हमारे। नाम रशीदा मुल्तानी? हाँ जी। बाप का नाम क्या है? सरफराज बावलपुरी। हमारे यहाँ बाप का नाम नहीं होता जी। आप टेस्ट ट्यूब बेबी, मैं ऐसे ही कुछ समझ लेना बस बातें आप ऐसे करे जा रहे। अच्छा अल्लाह का शुक्र है, पता है क्या, मैं ना बड़ा जहेज दे सकती हूँ, बड़ी जायदाद है जी मेरी, माशाल्लाह मेरे 2 कोठे अपने चल रहे। आइए तशरीफ लाइए। आप मेरा एड्रेस तो लिख लेना। एड्रेस तो लिखने की जरूरत है, पता है एड्रेस क्या होगा? जब कोठे होंगे तो क्या कोई एड्रेस भी ढूंढना पड़ेगा? नहीं ये तो उसकी सिलेक्शन है ना, वो क्या पसंद करता है, आपको क्या तकलीफ है, आप तो खाली पेश कर दीजिएगा बाकी उसका काम। पेश क्या मतलब, चलो बात निकिया बार, आप मेरा एड्रेस तो लिखिए। मैं लिख लूंगा, आपका एड्रेस मुझे समझ में आ गया, तिरकट जा तिरकट तिरकट धुम, ये आपका एड्रेस है, ता तक तक धुम 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 तक तक ता तक ता तक ता, ये आपका टेलीफोन नंबर है। चलो मेरे सब समझ आ गया। टैक्साली हो गया उसकी जेब खाली, वहां से बन के निकलता मवाली, अपनी जिंदगी तबाह कर डाली, गली नंबर 13 टैक्साली। हमारा काम ही यही है जी। अरे हाँ, तो और मैंने तुझे क्या कहा कि तू कोई बड़ी आपदा है, बस
समझ आएंगे ना। आप किस किस्म की बातें करते हैं, आप तो बोलने भी नहीं दे रहे हैं। ये कोई तरीका है, कोई दफ्तर आपने बनाया हुआ है? दफ्तर जाने के लिए बताया कि आप आके तुम यहाँ बदनामी करोगे, कोठे से भी लोग आ रहे हमारे यहाँ। जाइए आप, जाइए। नहीं नहीं, कहीं से भी आते हैं, आपका काम सिर्फ शादी कराना है। आपको तो अपने कमीशन से मतलब होना चाहिए ना, वो मैं आपका पूरा दे दूंगी, बल्कि डबल दे दूंगी। अच्छा भाई ठीक है, डबल दे देना। जाओ, जब आएगा रिश्ते तो हम टेलीफोन कर देंगे। हाँ मुझे जरूर बताना ना, बताया ना तो धमाल पाऊंगी मैं। बताओ, धमाल पाऊंगी? धमाल पाऊंगी, ये तेरी वजह से होता है। मेरी वजह से क्यों हो रहा है? तुम्हें लोग ये धमाल की बात है तुम्हारी वजह से करते, तुम्हारे चेहरे पे जो एक कब्र जैसा मुंह है तुम्हारा। अब बताओ, इस किस्म के रिश्ते आ रहे हैं यहाँ पे? आने दो यार, छोड़ो, ये पेन मुझे दो। तुम पेन क्यों पकड़ते हो जाहिल आदमी? क्वालिफिकेशन आदमी हूँ, अल्लाह का करम है। क्वालिफिकेशन, जिसको क्वालिफिकेशन कह रहा है, तू कितना पढ़ा लिखा होगा? बहुत पढ़ा लिखा, जरा तमीज से कहते हैं। जी ये शादी का ऑफिस है, आपको वासा का दफ्तर लग रहा है? वासा का दफ्तर, आई मीन वाटर का दफ्तर। एक्चुअली मैं अपनी शादी के लिए आई। ओह रिया, आपको क्या जरूरत थी आने की? आप तो सिर्फ अपनी तस्वीर फैक्स करते हैं, दुनिया जान आपके घर पे जंज लेके पहुंच गए। आपको क्या जरूरत है शादी? क्यों नहीं जरूरत है, ये आपको क्या जरूरत है? आप जैसी लड़कियों के लिए तो रिश्ते दरवाजों पे बाहर खड़े रहते, कसम स्टॉपों पे खड़े रहते। सही बात, दुख जो होता है वो इन जैसी शक्ल वाली लड़कियों को, जिनकी शादी नहीं होती, हर महफिल के उनको आगे आगे करते। वो तो आपकी बात ठीक है, मगर मुझे पता चला था यहाँ के अमेरिका से कोई रिश्ता है। अमेरिकन नेशनलिटी, अमेरिकन इनलीगल, सबसे बड़ी बात है। इनलीगल, इनलीगल, इनलीगल चप्पल होती है ना, उसकी बहन है इनलीगल। इनलीगल गैर कानूनी है, लेकिन नेशनलिटी में। अच्छा, वो अपने लोग है ना, अपने पाकिस्तानी। जी जी, मेरी जान माँ का नहीं है लेकिन वहीं का है। पाकिस्तानियों को मुझे इसी बात पर तो फखर है। अच्छा, खुदा की कसम, एक पाकिस्तानी जंगल अपना जन्नत में चला गया ना, तुम देखना बाकी सबके लिए जगह बनाएगा। एक के जाने की देर है, तुम देखना फिर कितना दर्द लगेगा। अबे तू भी, वो तू भी, वो नहीं है, हैरत के पहाड़ होंगे जब तुम मुझे माँ देखोगे, कितने हैरान होंगे। सर्दियों के जमाने में मैं तुमसे आग लिया करूंगा, ये याद रखना। बहुत अच्छे, तुम दोनों में होगे ना? बिल्कुल, तो आग वाग देते रहना। हाँ जी, एक्चुअली मेरे जहन में एक आइडिया है। आपके जहन में जो भी आइडिया है प्लीज आप बताइए, विल अरेंज। हम लोगों का काम यही है, आइडियोलॉजी के ऊपर काम करना, वर्क कर, नो प्रॉब्लम। आप बताइए आपका क्या है? मेरा आइडिया, लिखो इनका आइडिया, इनका आइडिया तो लिखो, लिखो। हाँ, मेरा आइडिया है वो जो लड़का हो, हाँ, उसकी बॉडी बिल्कुल संजय दत्त की तरह हो। ओ, काश मैं आपको कोट उतार के दिखा सकता। बस मैंने छुपा रखा है, अपने आप को जमाने से छुपा रखा है। ओ मेरे खुदा, काश वही चीज है बिल्कुल, संजय दत्त चीज वही है, बस जरा मैंने दबा रखा अपने आप को। हाँ, और क्या है? संजय दत्त मैनेजर साहब की तरह। सही, दिस इज, ये संजय दत्त बॉडी, ये डेड बॉडी, ये ठीक है। ओके ओके, प्लीज बताइए। उसके बाल शाहरुख खान की तरह हो, उसके माथे पे लहरा रहे हैं। अरे किरण में तुमने बड़े बाबा कहता, किरण में ये मैं बिल्कुल वो सम टाइम में धूप में लगता हूँ शाहरुख की तरह। ये भी शाहरुख खान है, ये देखो, ये असल शाहरुख खान तो ये है। शाहरुख खान, उसकी हाइट
8 फीट होनी चाहिए। 8 फीट ठीक है, 8 फीट की हाइट ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आप? 8 फीट की हाइट, 2 इंच ले आना बाहर से, 2 इंच ले, 8 फीट की हाइट और रियल। अच्छा, और माथे के ऊपर बाल हो? हाँ। 8 फीट की हाइट और क्या हो? बस वो अमेरिका में रहता हो। अमेरिका में रहता हो, अमेरिका में खाता हो, अमेरिका में पीता हो। हाँ। और नाइस, आपको अमेरिकन लड़का चाहिए? जी बिल्कुल। यू नीड अमेरिकन बॉय। यस। आप अमेरिका में जाना चाहती हैं? जी हाँ। हर लड़की अमेरिका जाना चाहती है। एवरीबॉडी गोइंग, ये तो एवरीबॉडी वांट टू गो अमेरिका। माय गॉड, आपके लिए आम बोली। तो वो लड़का कहाँ है, आप मुझे मिलाएं ना उसे? लड़का तो नहीं है, उनके वालिद साहब। आपकी तो अम्मी अबू दोनों ही है ना? है, लेकिन मैंने लाई क्योंकि उन्होंने शादी नहीं करनी, शादी मैंने करनी। हाँ, अम्मी को कह के लिए, अम्मी ने आगे अम्मी मशवरे दे रहे अम्मी अम्मी होनी नहीं चाहिए यार। मैं अम्मी के टोटल अगेंस्ट, अम्मी और बच्चियों की शादी रुकवाती अम्मी। सही बात, अपने आईडी लो, बच्ची के साथ जच नहीं रहा, जच नहीं रहा, तूने रहा। सही कर रही है वो लड़की। आप मैडम आइए प्लीज, आप बैठे तशरीफ रखें। अच्छा एक बात पूछूं, आप बात असलामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है। असलामाबाद बहुत खूबसूरत शहर है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? इतने खूबसूरत शहर को खराब कर रहे हैं, आपको आया नहीं आ रही है, या आप क्या कर रहे हैं? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, टेलीफोन पे बात हुई थी। टेलीफोन पे फोटो नहीं आती मकार जादूगर, टेलीफोन पे फोटो नहीं आती, कैसे आप जानते हैं? आप इमोशनल हो रहे हैं। मैं लड़के का बाप हूँ। नाइस टू मीट यू, मैं आई एम, इनसे मिलिए। ये वो लड़की हैं जिनका हमने आपसे जिक्र किया था, डबल एम ए इंग्लिश हैं। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। बड़ी अमीर खातून है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अमीर। लेकिन इनका ड्रेस देखें, 10 केटू की डब्बी ली, उसकी पन्नी का ड्रेस बनाया इन्होंने। 10 डब्बी से कैसे बनेगा, 24 कैरेट की साड़ी पहनी हुई। जैसी बात कर रहे हैं, पैसा हमारे पास बहुत है, मेरा बेटा भी कोई मामूली नहीं है, आइडियल लड़का है। इनको भी आइडियल की तलाश, आइडियल से आइडियल टकराएगा तो क्या आइडियल होगा? अरे बेटा हमारा इतना खूबसूरत, बताइए बताइए, आप यकीन करें, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा बेटा नहीं है। ये बात नहीं कि वो मेरा बेटा है, आप एक सच्ची बात कर, खसूसियात है उसमें। नोट करो बच्चे, बच्चे की खसूसियात। आप यकीन करें, मेरा बेटा बहुत बड़ा पेंटर होता। पेंटर? सादकेन उसके सामने क्या है, पिकासो उसके सामने क्या है? बहुत बड़ा पेंटर होता अगर उसके हाथ होते। क्या? उसके हाथ नहीं है? हाथ नहीं है, लेकिन चलो ये तो अच्छा हुआ, हाथ अपाई नहीं कर सकता। ये तो फेवर में जाती है, ये बात फेवर में जाती है। हाँ। बच्चियों के फेवर में जाती है, हाथापाई नहीं कर सकता, बच्ची को मार नहीं सकता, बल्कि लड़की उससे कह सकती है मार मार, मगर वो नहीं मारती। दिस इज वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड। लेकिन पेंटिंग का शौक है, तस्वीरें वो बनाता है। मगर कैसे, उसके पास तो हाथ नहीं है। मुंह में कोयला रखकर दीवारों पे बनाता है, तस्वीर मुकम्मल नहीं होती, पतीसी गिर जाती है। क्या? उसके दांत भी नहीं है? ये तो अच्छी बात है, काट भी नहीं सकता है? काट नहीं सकता, वेरी गुड, वेरी गुड। सेफ्टी, हर तरफ से सेफ्टी है, हाथ नहीं है, दांत नहीं है। देखो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा लड़का नसीबे वालों को मिलता है। आप यकीन करें, मेरा बेटा एक दफा जिसको देख ले सारी जिंदगी उसको भूलता नहीं। लेकिन आंखें नहीं है, आंखें नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? चलो ठीक है, मोहल्ले वालों की तो आंखें हैं, वो देखेंगे बच्ची को। आंख नहीं है तो क्या हुआ, उसके शऊर की आंख तो होगी, इनसाइड। हाँ, इनसाइड वो देखेगा, इनर से देखेगा, अपने इनर से। आप यकीन करें, बड़ा बेजरर बच्चा है। आप गाली गलौज करें, घर में डांस करें, गाने लगाएं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों क्यों, सुन नहीं सकता ना? क्या वो सुन भी नहीं सकता? सुन नहीं सकता कुछ भी, वो उसको बड़ा कुत्ते के बच्चे, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। मजा आ गया, तेरी बात है,
तेरा बाप कुत्ता, तू नस्ल खराब, कुछ भी नहीं कर सकता। वेरी नाइस, ओह माय गॉड, आइडियल बच्चा है। आप यकीन करें, आप उसके सामने दुनिया जहान के खाने रख दें, उसे भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाता। क्यों क्यों? गुलाब की नाली फटी हुई है। आप यकीन करें बेटा, कर लिया। आप यकीन करें मेरा बेटा 6 फुट का कद होता। ये आपकी आइडियल हाइट है, 6 फुट। 6 फुट का कद होता लेकिन टांगे नहीं है। वो कटी हुई टांगों का फर्क है ना। मैंने तकबर कभी नहीं किया अपने बच्चे पर। तो काय का इसमें तकबर है? बच्चा काय है? ये फ्रिज में रख देता हूँ शाम को। आप बच्चे से मिल तो ले। क्या मिलूं? क्या मिलूं? मिल लिया, देख लिया, इतना ही होगा ना। बच्चा कुछ भी नहीं है। आप है कौन? कौन है? मैं शेख हूँ बस, इसीलिए बच्चा पूरा नहीं। ये वजह कंजूसी दिखाई है बच्चे में भी। कंजूस कितनी अहम चीजें नहीं लगाई इस आदमी ने। ये देखो का जुल्म, देखो इसका जुल्म। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मुझे। पैसा बहुत है मेरे पास। तो अपने बच्चे में सामान लगवाओ। ग्रीन कार्ड होल्डर है वो। अरे ग्रीन कार्ड हो गया, रेड कार्ड हो भैया, मैंने पता अच्छी से पूछ ले बिना। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि जब मेरे बच्चे की शादी हो, आप उससे शादी करें, शाम का वक्त हो, उसे शहर के लिए ले जाएं बाहर। कैसे ले जाएं? कुत्ते की तरह घसीटते हुए ले जाएं? जब बच्चे में है ही कुछ नहीं तो आप ऐसा करें, खुद बात कर ले, उसका मोबाइल नंबर ले लें। अबे जब वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मोबाइल क्यों रखा हुआ उसने? चलो कर लेते हैं कुछ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है इसमें? काय की एडजस्टमेंट है? अरे उसने अपने लिए सेक्रेटरी रखा हो, वो सुनकर बता देगा उसको। जब वो सुनेगा ही तो बताएगा क्या? महसूस तो हो जाता है ना। महसूस बस एक ही बात होगी कि उसको गरम गरम लोहा लगाया जाए ना, तब वो महसूस कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता वो। लेकिन बेटा बहुत खूबसूरत है। अरे कहाँ है? है ही नहीं। मिलवा देता हूँ। नहीं मुझे ना मिलवाओ, बड़ी मेहरबानी। भैया हमें 10-20 रुपए देने पड़ जाएंगे बच्चे को। बहुत कमाऊ बेटा है मेरा। इसको लेके ना लोकल ट्रेन में भिड़ा करो। अरे नहीं, दौरे पर क्या हुआ है? कहाँ? लकी रानी सर्कस में काम कर रहा है आजकल। बस वहाँ वही सही है, वो वहाँ सही है, सर्कस में ठीक है। ये लड़की मेरे ख्याल में उसके लिए ठीक रहेगी। आपको ये लड़का मंजूर है? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं मैं तो ठीक हूँ। आपको मंजूर है? नहीं, बात बात नहीं है बस। और कोई बात नहीं, कान मांग नहीं, नाक मांग नहीं है, दांत मांग नहीं है, टांगे मांग नहीं, बाकी लड़का तो है ना। आगे भी बाकी का भी ना ना हो। थोड़ा बहुत बच्चे तो रखा हुआ ना घर में? नहीं, बाकी बिल्कुल पूरा है, सालिम है। अबे पता नहीं क्या है, पाव डेढ़ पाव जितना तो है ना वो, पाव डेढ़ पाव तो है ना। अगर बच्चे के साथ आलू डाल के पका ले, 5 आदमी खा लेंगे। अब कैसी बात कर रहे हैं? चलो देख रहे, कुछ कर लेंगे एडजस्टमेंट। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना, खुदा की कसम काट के भाग जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। आज तक किसी से लड़ा नहीं है। क्यों? जुबान नहीं है। ये बच्चा पैदा हुआ था या किसी ने फेंक के मारा तुम्हें? आप इंसल्ट कर रहे हैं, मेरे बच्चे के रिश्ते के लिए आया हूँ। अच्छा ठीक है, आप टेलीफोन नंबर लिखे बता दीजिए। बता दो भाई, बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी कर, उसमें से सिलेक्ट करूंगा बच्चे। तू काहे का सिलेक्ट करेगा? वो और लोगों से पूछना पड़ेगा भाई, उनको मंजूर है कि नहीं। बताओ नंबर, बताओ। चाचा अपना, चाचा मत कहे, मैं बच्चे का बाप हूँ, रीजनेबल आदमी हूँ। 0300 0300 0510 510 8912 8912 मेरा बेटा भी इसमें मिल लेगा। अच्छी है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। उनका कोई कार्ड, कोई टेलीफोन नंबर वो डिस्कस कर लेगा? नहीं नहीं नहीं, इनका कोई कुछ नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है, जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी। बेटे से मिलवाऊंगा मैं आपको। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह। हम लोग अभी ईद आ रही है ना, फितरा ज़कात निकालेंगे, बच्चा लाइएगा। I'm sorry, इन्होंने बताया कि नेशनलिटी जो है वो ग्रीन कार्ड है, अमेरिका से आए, इनका वहाँ टेक्सटाइल मिल है। पता नहीं कितना बड़ा छोड़ू है, बच्चा बता रहा है, ऐसा वो बच्चा होता है? इतना मेरा टाइम यहाँ पे खराब हो गया,
अब क्या मैं मेरी शादी को? नो प्रॉब्लम, बात यह है कि हमारे पास एक और रिश्ता भी अमेरिका अमेरिका जी अमेरिका पहुंचा के रहेंगे हम आप। ओह थैंक यू, हमारा वादा है हम अमेरिका आपको पहुंचाएंगे। आगे आपका काम है कि आप इस बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ओह नो प्रॉब्लम, ठीक है थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। आप अपना टेलीफोन नंबर लिखवा दे। हाँ, 0300 0300 9465। ठीक है, चलो ठीक है, अपनी तरफ से लिख लिया मैंने। ओके बाय बाय। ऐसी लड़की आती है ना खुदा खुदा की, तो मेहमान में ताश की सीरियल दी है। मैं तो बोलता हूँ अगर ऐसी लड़की आए ना मेरे पे तजर्बा करो। अच्छा जाओ जाओ चाय भी लेके आओ बड़ा बच्चा। अच्छा सर चाय लेके आओ। हाँ बेटा चाय लेके आओ बेटा। चलो चाय काफी सारी ना ले आओ। हैं काफी सारी? हाँ काफी सारी ले जाओ मेरा बेटा, जा मेरा पारा मेरा बच्चा। बताओ कितने पाले उसके बेटे में एक चीज नहीं है अल्लाह, इससे ऐसे तो मेरे जूते में हर चीज होती है, उसके बच्चे में नहीं है ये चीजें। देखो आप, चलो यार बच्चा सबको अपना प्यार। Sorry. ये तुमने खुद किया जो तुम्हारा निकल गया। क्या कह रही है अपना बेझिझक खातून? हाय वो मैं मिसेस इम्तियाज हूँ, मैं अपनी गारमेंट फैक्ट्री से आई हूँ। हमारे पास में मोबाइल पर बताया था कि आपके पास एक ग्रीन कार्ड होल्डर रिश्ता है। बाय द वे वो रिश्ता कहाँ है? आप बैठ जाए, मुफ्त में क्यों डांस कर रहे? श्री मेरे ये काम पैसों से होता है, मुफ्त में कर। आप खाना नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है। आप पैसा आपके पास बहुत है मैनेजर साहब, इनके वाइफ लिख लीजिए, इनके क्वालिटीज। तो आप खुद शादी करने चाहती है या कोई और सिलसिला है? कैसी बात कर रहे हैं, हम अपनी बेटी के लिए रिश्ते का तलाश में आया है। बाय द वे ओह माय गॉड, कितनी स्मेल आ रही है। बस आपके आने के बाद ही आई है, इससे पहले माहौल बिल्कुल ठीक था। ओह माय गॉड, आप आई है तो बागों में बाहर आई है बस। हमने तो पॉइजन लगाया हुआ है, पॉइजन। आप खुद एक पॉइजन है, आप खुद पॉइजन है, पॉइजनिंग है आप, बल्कि फूड पॉइजनिंग है। कैसी बातें कर रहे हो? जैसी सुन रही हो, बैठ के उठती क्यों, क्या मसला है? वो एक्चुअली बात ये है, आप कोई अच्छा सा एयर स्प्रे कर दे प्लीज, मेरा दिमाग चल रहा है। दिमाग चल रहा है? हाँ। बताओ इनका दिमाग चल रहा है, हमारा दफ्तर नहीं चल रहा। मुझे हैरानगी है, इनका दिमाग भी चलता है, बड़ी बात। कैसी बात? Oh my God, स्वीट, इधर आओ। जी ऐसे गया जैसे माँ ने बुलाया था। इधर आओ जी जी, बोलिए। जल्दी से आओ जी जी, तुम कितने क्यूट हो, जरा दांत दिखाओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ? इतना गंदा दांत, तुमने कभी ब्रश नहीं किया? नहीं, मैं अक्सर कोयले से करता हूँ। ये गरीब लोग हैं, मजाफाती एरिया। जरा नाखून दिखाओ। ओह माय गॉड, कितने गंदे नाखून है, कितनी मैल फंसी हुई है। और सर दिखाओ। हाँ जी। ओह माय गॉड, तुम्हारा सर तो जुओ का एयरपोर्ट है। आप ऐसा करें घर ले जाके ये बच्चा धो ले। इधर आओ। यस। जरा अपना ये बजट तो खोलो शर्ट के। हाँ ये क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? कितनी गंदी आपने वो बनियान पहनी हुई है। आप इसको इतना चेक करनी है, बाकी जिंदगी आपने इसके साथ गुजारा? आप प्लीज काम की बात करें, अपना बेगम पतंगा। मैं बेगम पतंगा नहीं हूँ, मिसेस इम्तियाज हूँ। मिसेस इम्तियाज पतंगा लिखो। मिसेस इम्तियाज पतंगा उर्फ शुरली। शुरली, ठीक है शुरली। हाँ जी बताइए, आपका मसला क्या, मसाइल क्या है? एक्चुअली बात ये है कि मेरी एक बेटी है। आपकी एक बेटी है, इसमें हमारा क्या कुछ होगा? मेरा कहने का मतलब ये है एक ही बेटी है, बड़ी। आप एक बेटी है बड़ी? जी जी। उसके सिलसिले में आई हैं आप? हाँ जी। शादी के सिलसिले? जी जी। बच्ची हमें दिखा दीजिए उसके चंद फोटोग्राफ्स जी, और उससे मुलाकात बातचीत देख लेंगे क्या है। ग्रीन कार्ड होल्डर अमेरिका से लड़का आया हुआ है, अपने साथ ही लेके जाएगा वो। हमारी भी क्या
पर गाड़ी में बैठी हुई है, अगर आप कहें तो हम बुला सकते हैं। बुला ले, बुला ले उसको, गाड़ी को बुला लो। मोहल्ला भी ठीक नहीं है, पता है क्या? हो जी, अभी तक तो गाड़ी धोके न चला गया। हेलो हेलो बेबी, डॉली जरा जल्दी से अंदर आ रही, तुम्हारा इंटरव्यू करना है। ओके डॉली बाय। जवानी में कैसी हूँ? अंदाजा लगाओ इसका, अम्मा का अंदाजा लगाओ। सही बात, 600-700 मर्तबा भागी होंगी यहाँ। ऐसी भी कोई बात आप ले लेंगे? हेलो एवरीबॉडीज। हाँ बॉडीज, बॉडीज, दिस इज रिक्शा का बॉडीज। हाँ मम्मी, आप मुझे कहाँ ले आई हैं? मैं जैसे गाड़ी से में से उतरी बाहर खुशराज की लाइन। खुशराज? खुशराज, खुशराज, ये बर्गर्स फैमिलीज, ये लोग शादी में गए थे ना, हम लोग गए थे, इतने तंबूज लगे, फिर हम लोग ने रोटी खाई, दूल्हाज आए। दूल्हाज? ये ऐसी औरतें होती है ना, वेटर से कहती है बाहर से मेरे शौहर को बुलाओ। वेटर 5-6 बंदे ले आता है। एक्सक्यूज मी, आपके पास गाड़ी है क्या? हाँ गाड़ी। तो फिर मुझे ड्राइवर्स रख लो, मैं गेयर्स लगा कर आऊंगा। ड्राइवर है तो इसके पीछे सीट के पीछे रख लो, ये गाड़ी के पीछे की सर हिलाता रहेगा। आज गर्मी बहुत है वैसे। हाँ बहुत गर्मी है। देखिए मैनेजर्स, मुझे जल्दी लड़का दिखाइए, मैंने अपनी बॉयफ्रेंड के साथ मरीज जाना है। लड़का दिखाओ, बॉयफ्रेंड के साथ मरीज जाना। मरीज? मरीज, मरीज, मरी यार। अच्छा मरी, क्या हो तुम देखने के लिए तड़प रहे हो? वो जगह आज भी नहीं ले गए। एक्चुअली हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे फैमिली हैं, इसलिए बहुत पढ़े लिखे हैं। ये तो बच्ची कॉलेज में पैदा हुई क्योंकि ये पढ़ने गई हुई थी ना वहाँ। अच्छा, आंटी की क्लास थी तो बच्ची कॉलेज में हुई, तो शादी भी वही हुई है इनकी कॉलेज में। अच्छा तो प्रिंसिपल से ही हुई, बहुत पढ़ी लिखी बच्ची है। तो वल्दियत में मुसल्ला अपराध लिख लूं? नहीं, वल्दियत में लिखो ना, क्या नाम है? मिसेस इम्तियाज। इम्तियाज, इम्तियाज, ठीक। अच्छा बेबी जो है उसकी कुछ क्वालिटीज मैं जानना चाह रहा था, इनमें क्या क्या आदाज है? मैं आपको बता दूं, मुझ में बहुत क्वालिटीज है। क्या क्वालिटीज है? आप कोई पकड़ लेती है वो स्टेशन वगैरह खबरें वगैरह आ सकती है? 24 आवर डांस करती लेकिन थकती नहीं। ओहो माशाल्लाह, दुकान कभी बंद नहीं होती। लिखो, अनथक लड़की, अनथक, अटूट, अनथक लिखो, अनथक। अनथक है ना भाई जान? तुम्हें लिखना भी नहीं आता यार। जन्नती जन्नती औरत है, दुनिया के साथ डांस कर, तुम देखना इसकी कब्र देखना कैसी होगी। दुनिया की कब्र होगी ना सीधी, आंटी की कब्र होगी। इसका हाथ बाहर निकला होगा, तुम देख लेना। हाथ? हाँ कब्र में से हाथ बाहर, कब्र में से हाथ बाहर, ठीक है। लिख लो, आंटी की क्वालिटी में लिख लो। लिख लिया। अच्छा अगर कोई आ जाए तो आपके लिए भी बात कर ले, कर सकते हैं। एनी टाइम मिस्टर मैनेजर्स, हमारे ग्रुप से, यू नो ग्रुप्स, हाँ ग्रुप जो होते हैं, सियासी ग्रुप। कौन से ग्रुप है आपके? मतलब हथौड़ा ग्रुप। इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ सहेलियां हैं, सहेलियां 12-13 लड़कियां हैं, हम जहाँ की शादी होती है दूल्हा जी को एंटरटेन करती हैं। लिखो ग्रो है, ग्रो एंटरटेनिंग ग्रो, ग्रो, ठीक है। अच्छा तो आप अमेरिका में जाना चाहते हैं? हाँ, मेरी अम्मी चाहती है कि मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊं, इन्हीं का इरादा में शादी करूं, वैसे मेरे 2 बच्चे हैं। लिखो लड़की पहले से ही, लड़की पहले से ही डिप्लोमा होल्डर है।
से कहने का मतलब ये है कि दो बच्चे जो बिल्कुल बचे हुए हैं। दो बच्चे दो बच्चों से क्या होता है, दो बच्चे तो कुछ भी नहीं होते। मतलब मैं डांसेस की क्लास लेती हूँ ना, घर आप ही आइएगा ना। हाँ मैं आऊंगा इंशाल्लाह, मैं किसी क्लास में आऊंगा। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाइए, जैसे ही लड़के के वाले और वो लोग आएंगे मैं आपको इतला कर दूंगा, आप तशरीफ ले आइएगा और उनके म्यार के मुताबिक जो लड़की उतरेगी उनके म्यार पर उतरी उसका रिश्ता हो जाएगा। आप हमें लड़के की क्वालिटीज बताएं, लड़के में क्या क्या क्वालिटीज है, कोई अच्छा सा लड़का बताएं आपने। बहुत अच्छा लड़का आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र। मसलन कौन कौन सी क्वालिटीज है? बहुत नमाजी बच्चा, नमाजी वक्ता, नमाजी। नो, हमें ऐसा लड़का नहीं चाहिए। जैसे नमाज घर में इंटर हुआ, मामा जा नमाज लाए, मामा 10 मिनट। नो, हमें तो कोई मौत सा रिश्ता चाहिए, मौत सा। इनको नहीं चाहिए नमाजी, नहीं चाहिए। देखो इनको चाहिए जो घर में आए माता के साथ ही, मम्मी दो सिगरेट बना दो, पापा कैक बना दो, जानू डांस करो। इनको नहीं चाहिए नमाजी बच्चा। ठीक है, आपके लिए वो जिस टाइप का आपको चाहिए ऐसा दे देंगे। ये बात आपको चाहिए टुन लड़का, टुन या। ओके, मिल जाए। नो, ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। मेरा मोबाइल नंबर रख लीजिएगा। मोबाइल लिख लो इनकी, दिखला दीजिए, दिखला दीजिए इनके मोबाइल, पुलिस मोबाइल लिख लो इनकी। मोबाइल नंबर बताइए। नंबर 03 03 03 03 04 420 बच्ची की शादी हो ना हो मम्मी की हो जाएगी खुदाई। ये मेरी बात लिख लो, बच्ची की हो ना हो मम्मी की होगी। क्या लिख लो, इस किस्म की औरतें आ रही है, कोई सही आई नहीं कि अमेरिकन लड़की की शादी करवाई जाए। अबे अमेरिका ऐसी लड़कियां भेजेंगे ये तो पहले से अमेरिका से आगे निकली हुई। इनके इनको दे। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है सर। क्या मसला है सर? एक बुरा हुआ क्या? सर एक टेलीफोन करना है सर। हाँ तो खरीद है ना। नहीं सर, खैर चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भाई। पानी उसको पानी दो, पानी को बात नहीं, आराम से खाई खा रहे खा रहे उठ जाओ। शाबाश। हेलो हेलो शमसा, पानी दो उसको, पानी दो, पानी दो, पानी। जानू कैसी हो? जानू तुम परसों पार्टी में आई थी, कितना अच्छा गरारा पहनी हुई थी, अल्लाह की कसम सारे तुम्हें देख रहे थे। अभी मैंने तुम्हें कल फोन किया, तुम खबरनामे के टाइम मैंने फोन किया तुम्हें। मैं समझ रहा हूँ मर मर गया बेचारा जिसका तू फोन कर रहा है, तो सर मैं ये समझा और तू छरकी। सर क्या क्या सर, ये मजबूत इधर इधर आ, तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। माफ करे, मैं तो समझा रिटायर पे मिला, रिटायर पे का नंबर था ना, रिजल्ट में मिला। बेल जा रही है, बेल छोड़ दो, रख दे, गाय ना चली जाए, रख दे। हेलो, हाँ चमचा, चमचा मैं बोल रहा हूँ। हाँ फरारी की बात कर रहे थे ना, हाँ तो कल 3 बजे मिल रही हो? हाँ ठीक है, हाँ ब्लू एरिया में खराब। क्या हुआ? उसका बाप गालियां दे रहा है यार। तो बाप गालियां देगा और क्या देना उसने? बहरहाल बताओ। शाबाश, मैंने साहब के लिए भी कुछ लिया था यार। अल्लाह माफ करे, इतनी जज्बात में आया, मैं तो समझा 40 मिनट का खाना होगा, अपना तो पेट भर जाएगा। शमशा को फोन करे जा रहा है, बताओ यार। इनके लिए लेके आ रहा था मैं चाय जी, वो फकीर पी गया। चलो तुम्हारे अब्बा ने पी ली ना, चलो जाओ जाओ बेटा, जाओ जाके बैठ के रेस्ट करो। चलो रेस्ट नहीं करते ये लोग, ये तो के 3-4 बंदे। Thank you.
सी खुसरे कुछ नहीं हो रहा। देखो सब लड़कियों की शादी हो गई है, अगर मेरी शादी ना हुई ना तो बाबला किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, मेरी शादी करा दो। तुम एक काम करो, एक दूसरे के सामने बैठ के ना एक दूसरे के मुंह पे तेजाब के छींटे मारो। अच्छा है तेरा? हाँ। मैं पी के देती हूँ, लिपस्टिक लगा वहां से पी। चल चल, इतना बड़ा ठरके नहीं हूँ। चल 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 बाहर आ रहा। अबे निकल गए अपना बेबाक खुसरे अपनी ये छोटी सी खुसरी लेके ना रात करंट से नौ मार के एक अभी तक करंट में शराब। अल्लाह माफ करे, अगर खुस रहे थे तुम्हारे क्या दरवाजे पर रखा हुआ तुमने? और क्या अलमारी में रखूं? अबे हमने तो सुना है मान से, ये तो इलेक्शन में भी खड़े हो रहे। कौन खुस रहे? हाँ। अबे क्या हुआ है? क्या खुस रहे इलेक्शन में? कसम खुदा पाक की, इनका तो जलसा अजीब सा होगा। जैसे 300 आगे से जलसा सुन रहे होंगे, 500 पीछे से देख रहे होंगे। अजीब किस्म का सिस्टम होगा। वैसे ये जीत गए तो होगा क्या भाई? कुछ भी नहीं होगा, तुम लोगों का फायदा होगा। कैसे? जैसे जैसे तुम्हारी मालूम आती है तुम्हारे फायदा होगा। हमारी देखो खुसरे के बारे में मालूम आता नहीं, we don't have any information about खुसराज। अबे दफा करो, खुसरे के मौजू को छोड़ो, ये सुनाओ ये शादी दफ्तर ये ना। या आप क्यों आए हो, आपके खाल लेने आए हो यहाँ पे? अरे ऐसी बात नहीं है, अपनी बच्ची के रिश्ते के लिए आया, ग्रीन कार्ड होल्डर का दिखाओ तो जरा था एक नजर। कोई कोई शोकेस में नहीं लगाया हुआ, पहले आप अपनी बच्ची की क्वालिटीज बताएं, बच्ची दिखाएं, उनके फोटोग्राफ देंगे, उनकी मीटिंग कराएंगे, फिर शादी होगी आपकी। पूरे दुनिया में हमारी बेटी अक्ल होती है, जबरदस्त कसम की। अच्छा अल्लाह माफ की कसम, जबरदस्त सेहतमंद है। अपनी बच्ची तो सबको प्यारी होती है, जरा हमें भी दिखाएं कौन है। क्वालिटी लिखो, लिखवाए। और लड़कियों की कमर होती है, उसका कमरा है। कितने बंदों के ठहरने की गुंजाइश होगी? आप ही फरमा रहे हैं ना कमरा है। कैसी बात कर रहे हो? अगर नाराज ना हो तो एक सिंगल बेड मेरा भी रख लेना। अबे आराम से बैठ जा, तू तो यार पिक्चर पाई के नीचे सो जाना। और तेरी सेहत तो ऐसी है, तू किसी जूते में भी सो ले। अच्छा आप तो टाइगर हो। आराम से बैठ जा, हमारी बेटी खुदा पाक की कसम है, आपको बतला रहा हूँ। हाँ जी क्यों? आपने टाइगर बांध तो नहीं लगाया? अजी से खुदा दोबारा बोल जाए। मेरी बेटी की दूसरी खसूसियात ये है कि दूसरी की बेटी होती है ना, चलती तो हिरनी की चाल होती है, हमारी बेटी के अल्हम्दुलिल्लाह हथनी की चाल है। अच्छा दूसरे तो कार में बैठते ना, हमारी बेटी को तो फरमाइश है देखो, भैंस पे बैठ के आई है। कसम अल्लाह पाक की, गुरूर नहीं किया? नहीं नहीं, इसमें गुरूर की बात नहीं, तो बड़ी शर्म की बात है। और तो और तरबूज खाती, तरबूज बड़ी बात, बड़ी बात। वो तरबूज काटते हैं, वो टक्कर मार के तोड़ती है। बुला लो उसको। उसकी अम्मी ने तो टक्कर मार के गधा मार दिया, गधे के पेट में टक्कर मारी, यतीम हो गए।
अच्छा अच्छा भाई, ऐसे ही अखबार के अफवाह है, दफा करो आप। अफवाह नहीं, जब ही कहो तेरी शक्ल किससे मिलती है। बारह आप अपनी बच्ची को बुलाइए, बच्ची ले आइए, खुद ले आइए, आवाज ना लगाइए कोई। मेरा बच्चा, अब्बा अब्बा आ जा बच्चा, ये नहीं आने देने मुझे ये। वो मुझे कह रहे हमारे साथ चल, तुझे बहुत घुमाएंगे, ऐसे कह रहे अब्बा। दफा करो, अल्लाह तुमको सत्यानाश जा। सलाम खालू। अच्छा जी, बताया भी नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं दफ्तर में। ये बच्ची आप तोड़ के लाए ना, तो सही बात भी है ना। सलाम चाचा। भाई की बेटी है तेरे। अम्मा अम्मा, इसको देख, क्या ऐसा लगा कोई आटे का पेड़ा लग गया। गलत बातें ना करो, सर नीचे करो। हाँ जी। ये इंडिया का चांद, इंडिया का चांद है, ढाका में नजर आ रहा है। अब्बा अब्बा। हाँ। ये मैं लूंगी। चल चल। अब्बा। हाँ। मैं सेठी को बताऊंगी, मैं ना चर्सी छछुंदर लाई हूँ। क्या हो गया, मेरी बच्ची है, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह का माल है, अल्लाह का माल, अल्लाह माफ करे। आपकी बच्ची का इश्तेहार आता है टेलीविजन पर, क्या बहुत सारे बच्चे खड़े होते बोल रहे होते आया आया पांडा सो। अपने घर पे नहीं, तू आता, मैंने खुद देखा। हाँ उस्ताद, खून पीते हैं यहाँ। और आपसे बात कर रहे, हमारी इकलौती बेटी है। हाँ उस तो इसकी सेहत से लग रहा है कि इकलौती होगी। एक मिनट बेटा, इनके वो लिखो मालूम जी, बच्ची की खसूसियात। ओहो, बच्ची हमारी ऐसी पढ़ी लिखी। कितनी तालीम है इनकी? ओ, तालीम बता बेटा। मैंने मैंने सब पढ़ लिया, फिर खाली कर दिया। जी, सब पढ़ लिया। इंग्लिश बोलती, इंग्लिश फरफर। हाँ देखो, हम इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि इन्होंने अमेरिका जाना है। यही तो सिखा गया, कार्गो में जाएंगी। ऐसे जा भी नहीं सकती, सीट पे तो इनका मुश्किल है। अच्छा, तो कितना पढ़ा इंग्लिश आपने? मैंने इंग्लिश सुनाइए। पढ़ बेटा पढ़। कोका कोला, दिले कोला, हमारा फर्नीचर ना तोड़ दियो। ओ, मस्त बच्ची के हाथ पैर रोको, किसी का पेट में फाड़ देगी। मस्तानी है ना, थोड़ी सी मस्तानी मलंग है, मलंग तबीयत। शादी क्यों कर रहे हो, उसका मजार बनवाओ। मस्तानी है, मस्तानी है। हाँ हाँ, अल्लाह माफ करे, इसके बच्चे हो गए ना, वो भी ऐसे होंगे। अब्बा लुप्पी ऐसे, लेकिन मुझे उम्मीद है तू तब भी रुपया नहीं देगा। अभी शादी हुई नहीं, मस्ताने पहले पैदा होना शुरू हो गए। आराम से बैठ जा, इकलौती है, इकलौती बात। देखिए बात ये, क्या आपको अमेरिका जाना है? हाँ। अमेरिका बच्ची को भेजना है? बिल्कुल। आप इधर इस साइड में आइए। और अमेरिका बच्ची जब जाएगी तो उसको सलीका आना चाहिए। बिल्कुल। ये कोई खाने पीने की चीजें बना लेती है? ऐसा, ये तो खा भी लेती है, 5-6 किलो निहारी तो एक वक्त खाना है इसका। अरे बना लेती, क्या खाने की क्या चीज पका लेती है? बेवकूफ। बेवकूफ कौन? खाना। ये कौन सी डिश है? अब्बा अब्बा, वो भी बता ना, तू बिरयानी नहीं लाया था तो मैंने तुझे उठा के पटक दिया था। अगर ये लोग मेरी शादी नहीं कराएंगे ना, इन लोग को भी पटक दूंगी। हाँ। मलंग है, मलंग तबियत की है थोड़ी सी, पका वका सब लेती है। अबे क्या पकाएगी ये, ये तो देख में बैठ जाएगी ये। मैं जान, सुनिए, आप इनका रिश्ता यहाँ अमेरिका के लिए मुनासिब नहीं है, इनके यही करवा देते हैं। अगर यहाँ कोई फर्ज टूट गया ना, कुरान की कसम तुझे नहीं छोड़ूंगा। बता ये मुझे पटरियों में भेज रहे, कह रहे मेरी शादी नहीं हो सकती। मुझे तो माँ की बदुआ, मैंने अपनी माँ की इतनी खिदमत की, अल्लाह मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। वेरी गुड, क्या पैसों की कमी है, अपनी बेटी को जान देंगे इसके नाप के तोल के। भाई वो तो ठीक है, लेकिन बाहर के मुल्क में जाने के लिए कुछ सलाहियत होनी चाहिए यार। अब हर आदमी की ख्वाहिश है उसकी बेटी बाहर के मुल्क चले जाए, लेकिन कुछ सिखाओ तो सही बच्चियों को। तो शादी हो जाएगी तो सब सीख लेगी।
ये अमेरिका में एक काम आ सकती है बस। क्या? इसकी वहां रेसलिंग हो और अंडरटेकर के साथ काम। तो कैसी बात कर रहे हैं आप? अंडरटेकर अंडरटेकर के ग्रुप में हो जाइए, उसकी कुश्ती से पहले ये इंटर हो, पीछे पीछे आप इंटर हो। अब किस लिए? पानी की बोतल लेके इसको बच्चे को देखा। अब्बा ने मुझे सिखाया, अम्मी ने भी सिखाया। सिखाया? हाँ। आप देखिए हाँ, क्या सिखाया? मुंह धोना सिखाया। अल्लाह। कपड़े धोना सिखाया। अल्लाह का माल है, अल्लाह का माल है। अल्लाह ने दिया जी, दुनिया को दिया अल्लाह ने, तोहफा दिया। मदन टाइप की है ना माशाल्लाह, टाइप ही अलग है जी सबसे। 25 पाउंड की हुई थी माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, हां 25 पाउंड की हुई। कितने डॉलर बने पाउंड के? का पाउंड थोड़ी है, वो दो वाला जो होता है। अच्छा तराजू, मैं इनको तो फिर लकड़ा मंडी में ले जाके तोला हो। चले आप इनको लेकर आइए। हाँ भाई, अपना टेलीफोन नंबर लिखवा दीजिए। हाँ, पता लिखवा दीजिए और बच्चे आएंगे तो आपकी मीटिंग करवा दें। ठीक है बेटा, अपना मोबाइल नंबर लिखवा दे। मोबाइल नंबर बताओ भाई। क्या कर रही है? अरे मोबाइल नंबर लिखवाओ। हेलो, दो पुलिस, दो चार डाकू, दो हमले, दो। ये क्या नंबर? सुबह का नाश्ता लिखवा दिया इसने। आप बताइए। मैं लिखवा रहा हूँ जी, 0320। हर आदमी जीरो से नंबर शुरू करता है, ये सब जीरो लोग हैं। जीरो 4310 आप इन्हें ले जाए और इनको जब मैं फोन करूँ तब लाइए। चल मेरा बच्चा, उस वक्त तक इनको ऊपर तिरपाल डाल के रखे ताकि बारिश बारिश में खराब ना। चल मेरा बच्चा भैया। सही रिश्ता नहीं आ रहा कोई। देखो यार उसका फोन नहीं आया, महविश का पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। लोग खुश रहे ईमान ले आए। भाई जी मैं सलाह दे दे, मैंने दुआ करनी है मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए। मुसल्ला लेने आई है जी। जी तो पहले वजू तो कर ले। सलाह तो मेरे पीछे ही आ गई है। सलाह कर सत्य नाम। तेनू मैं सुना ना सकी, सुना ना सकी दिल वाली गल। अच्छा बोले उनके वजू तोड़ रहे थे। हम हमारे बच्चे के लिए रो रो के दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह कर कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। आ जाएगा इंशाल्लाह, आप घबराओ। अरे फूफो, ये कहाँ लोटा लिए घूम रही हो? मेरा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब पकती है घर में दाल, मेरा दिल रोता है। पकती है घर में। ये खुशी अगवा होगी तुम देख। मेरा ईमान है कि ये बच्ची की बच्ची। बताओ। अरे यार वो गए कहाँ? अच्छी खातून जी। जी फरमाइए। एक पर्दादार हो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज एक फोन करने देंगे? कर लीजिए प्लीज। अगर आपको प्राइवेट बात करें तो हम बाहर चले जाएं? नहीं नहीं। अच्छा शमसा जानू फोन करो ना जानू, सारे पीसीओ बंद पड़े हैं। कोई औरत ईरान से फोन कर रहे हैं। भाई कसम, मैंने तो इस औरत को बुरखा पहने देखा, मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं इसको सजदा करूं कि बुरखे में देखा मैंने इसे। औरत इस बुरखे से कोई 20 साल से फरार हुई।
20 साल हो गए पुरखा इंतजार कर रहा है कि ये कब लौट के आएगी, मगर औरत पलटने का नाम नहीं ले रही बल्कि और आगे निकल, अब तो दुपट्टे में से भी निकल गई। शुक्र है कुछ ने तो फौरन ही पहन लिया। अरे भाई बात सुनो जी, जिंदगी के अंदर कभी भी याद रखो जी, हर आदमी अपनी इज्जत खुद करवाता है, बेइज्जती खुद करवाता है। बिल्कुल सही। ये जो लोग अपनी बच्चियों को ला रहे हैं और बाहर मुल्क को भेजने की जिदे कर रहे हैं जी, इनको सोचना चाहिए कि यार क्या अपने मुल्क में लड़के खत्म हो गए, अगर किस्मत अच्छी हो तो वो अमरीका में भी जाके अच्छी है, ना अच्छी हो तो अमरीका में भी खराब। सोचते नहीं है, बस बातें करते रहते, सोचते हैं। सही बात है, दिमाग खराब। है इधर ऑफिस खोला हुआ है, उधर बैठक खुसरों को किराए पर दी हुई है। हमने किराए विराए पे नहीं दिए, ये अपनी मर्जी से बैठे हैं। शादी के दफ्तर को हल्ला गुल्ला करते रहते, बेचारे दो पैसे मिल जाते उनको। ये अजीब, शादी का दफ्तर है इधर, शादी का दफ्तर है उधर, खुसरों का कोना खुदरा। तुम नींबू क्यों तरोड़ते हो? अबे यार तुम कुछ तरोड़ना है तो कुछ और तरोड़ो। ये जो तोड़ा है इन्होंने, अरे तो यार तोड़ा बोलो ना, तरोड़ो या तो तरोड़ो। मेरे को भी गाना नहीं आता यार, सुर में गाते हैं जरा, इनको भी मजा आया ना गाने का। हाँ 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 रे लला मेरा जियो। आइडिया बताएं? आइडिया नहीं बताया सर, आपके अंदर भी कोई खुसला फोत है लग रहा मुझे। तुम्हें अगर शक है तो हम तुम्हारा शक निकाल दें। आप ये खुसला फोत नहीं है, आखिरी हिचकियां ले रहा है। नींबू लगता पीछे नींबू ना कहे लेमन कहे, लेमन का जोड़ा, लेमन का जोड़ा। अरे नींबू का हो या लेमन का हो, है तो खटाई ना, तो खटाई खा लो तुम्हारी उल्टियां बंद हो जाएंगी। आप बेटे बाहर जाके बैठो, चलो शाबाश। बड़ा चलता नींबू लेकिन कुतुबुद्दीन बुखारी। हाँ आइए बैठे। तो शुक्र है नींबू कुछ शितान खुसरी है। आप बैठे कुतुबुद्दीन बुखारी साहब। अस्सलामु अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप क्या अभी तक बाहर हैं?
आप अंदर आए चाचा कुतुबुद्दीन, दादी किसी में गया? ओ बस मैं समझा शादी घर आया हूँ, ये मुझे खुसरा घर लग रहा था। वैसे आपस की बात है, आप भी स्टेप खूब मारते हैं। बस यार सारे काम करने पड़ते, धंधा जो है। अच्छा अच्छा, आप किसी सिले में हाजिर हुए, कोई चंदा वंदा लेंगे? नहीं नहीं, आपने मुझे समझा नहीं, मेरे बहुत बड़े बिजनेस हैं। अच्छा, आपके बिजनेस? बड़े बड़े बिजनेस हैं मेरे। तो किस सिलसिले में आए? मैं असल में मेरी एक जवान बेटी है और मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी में कहीं काट दूँ। इस सिलसिले में आपसे टेलीफोन पर बात भी की थी। ये अभी 3-4 दिन पहले की थी, तो क्या आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? मसला ये है कि आपको पहले बच्ची दिखानी पड़ेगी, वो कैसी है। वो हमारे माँ बाप की क्योंकि जो लड़के हैं उन्होंने हमें वो लिखवाया हुआ है कि उनको किस स्टैंडर्ड की लड़की चाहिए। हाँ, तो मुझे वो शो करे, अपनी बच्ची शो करे। मैं बच्ची शो करता हूँ, लेकिन आप जरा अपना बच्चा शो करें। वो नहीं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से शादी करके अमेरिका चला जाऊँ, तो जरा लड़का दिखाए। अगर मुझे पसंद आ गया तो मैं शादी करूंगा, बाद में अपने भी हाथ पीले करने ना। वो तो कोई खैर नहीं, अल्लाह मालिक हो जाएगा। पहले बच्ची को बुला लें ताकि हम सारी चीजें देख लें और उनकी कल आपसे मीटिंग करें। ठीक है, लड़का अमेरिका से आया है ना? अमेरिका से आया, न्यूयॉर्क में रहता है। अच्छा, ये तो नहीं। अरे नहीं, न्यूयॉर्क में। अब ये दोनों बिल्डिंगें गिरी है ना, सारा मलबा उसने खरीदा है। वाह, उसमें से यहूदी निकाल निकाल के बेच रहा है। अच्छी बात है। बुला रहा, बुला रहा। वैसे मैं डर गया था, मुझे खदशा था कहीं ये ना हो, मैं समझा अमेरिका से नहीं अफ्रीका से रिश्ता आया है। जल्दी शादी कराए, मुझे खदशा है कहीं भाग ना जाए। आपके वाले नहीं है? पहले एजुकेशन लिखवाई है? एजुकेशन? आप पेन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसे कहें नाक फेर दे। नहीं नहीं, नाक की स्याही खत्म हो चुकी है यार। चाचा चा। बच्ची का ब्याह कराना है कि गंद पाना है? दसो जी, ना दसो। मेरा नाम क्या है? अल्लाह रखी। अल्लाह रखी। अल्लाह रखी, ये किसने रखी हुई है? ये अल्लाह ने रखी, अल्लाह ने रखी। ये अल्लाह ने रखी है और मैं तुम्हें इधर से रखूंगा। तो पूछा है भाई, किसने रखी हुई है, कहाँ रखवाई थी आपने? ये हमारे घर में रहती है। अच्छा, घर में रहती है, बेटी है मेरी। तालीम कितनी है? तालीम है इसकी, मैट्रिक कर लेती अगर इसने प्राइमरी किया होता तो। मैट्रिक कर लेती जो प्राइमरी किया होता। वैसे पढ़ी लिखी बहुत है, बहुत। मुझे भी पढ़ाती है ट्यूशन। अच्छा, माशाल्लाह। मेरी शादी करा दो जल्दी से, मेरी शादी करा दो। यार करा दे, क्यों नहीं शादी, जल्दी करो, क्या हो गया तुम्हें? हम ये भी रिस्क ले रहे, पर हम क्या करें? ये बच्ची किस टाइप की है? यार मेरी शादी ना कराना। नहीं, मेरी शादी कराई तुमने तो अच्छा नहीं होगा। ये कौन है बेटा? कुछ नहीं, कुछ इसको दौरे पड़ती हैं असल में। इसको दौरे पड़ते हैं, इसे सकाफती दौरे पे बाहर भेज दो। अच्छा, ये आप मेरी बात को समझ नहीं रहे परी शरीफ, तो तुम क्यों कराते हो शादी इसकी, मेरी क्यों नहीं कराते? बात सुनिए जी, मेरी ना शादी करा दो। हाँ, करा रहे आपकी शादी? शादी करा रहे हैं। और क्या हो गया, कभी खूबसूरत आदमी देखा नहीं क्या? प्लीज प्लीज, वो आपके खूबसूरत आदमी है, अफ्रीका में नंबर वन है, नेल्सन मंडेला का सौदा है ये। अरे बकवास कर रहे हैं आप, क्यों? ये कूफी अनाम का सौदा। अपने आप को तो देखो, आप भी तो एडवानी के भाई लग रहे हो। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, जरा इधर जी। वी क्या हुआ? तुम बड़े हो रहे हो। क्यों, कैसे? तुम्हारा घुटना सर के बाहर निकल रहा है। वी ये देखो, इसके सर पे एक और सर निकल रहा है। बस यार एक मिनट, आपकी शादी का मसला मैं तय कर लूंगा, आपको टेलीफोन नंबर दे देंगे। हाँ।
वैसे आपस की बात है, बच्ची बहुत मनुष्य है। हाँ, पैदा हुई थी, माँ बहुत हो गई थी। बेटा मर ये बच्ची लेके ना चलो शाबाश इसराइल की तरफ लेके जाओ, इसकी शादी मां करा भाई। शादी शादी का तरीका होता है क्या? तरीका मेरी शादी क्यों नहीं कराना? इतनी देर से कह रहे हो, वैसे रहने दो, नॉन कराना। ये बच्ची का मुंह कुछ अजीब सा है। आप देखो बच्ची किसकी है। अरे ओए बांद्रा को ट्रेनिंग देने वाले आ, इंसान का पुत्र बना है ये आप इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? मैंने कभी तुम्हें ट्रेनिंग दी है? लानत तुम्हारी जिंदगी पे, तुम्हें बंदर और शेर की पहचान ही नहीं है। ये शेर है इथोपिया का, अफलास और गुर्बत की वजह से। वैसे तुम शेर हो कुत्ते। बैठिए। हाँ, ये आपस में क्या क्रिकेट कर रहे हो? खबरदार मेरे होते हुए। कोई तो फैसला कर लो यार, एक दफा तय तो कर लो, करना क्या है? इंडिया की तरह जबान से फिर के आप अपनी बच्ची को ले जाए। नहीं, आपकी शादी होगी, मैं आपको दो दिन के बाद फोन करूंगा। हाँ। आप सुबह बन के आइएगा, शादी हो जाएगी। मेरे फैमिली को शुक्रिया। वो बात नहीं, तुम तो कुछ इसको तो उधर करो। ओए तो अपना अपना कपड़ा डालो, सोफे के नीचे चले जाओ, सोफे के नीचे चले आप जाए बाबा। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। ओके दो दिन के बाद मैं आपको फोन करके बुला लूंगा, इसको दुल्हन दुल्हन के कपड़े बना के ले आइएगा, वो लोग देख लेंगे बेटी को जाएगी। यू कैन गो नाउ। टेलीफोन नंबर लिखवा दो। ओ भाई तो लिखो, बोलो। जीरो सब जीरो से ही बोल रहे हैं। बेहाना है, जीरो से शुरू होता है आदमी। चलो जीरो जीरो फिर जीरो फिर जीरो। खामोश, मुझे बताने दो। हाँ। जीरो 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 टेली पर जीरो। ये मिल जाए तो हमें बुला लेना। ठीक है जी। और लिखो जेड के मुंह वाले। अपना मुंह देखा उर्दू का पांच। देखना नहीं, कभी खुद ही डर जाओगे। मेरे अब्बा को कुछ नहीं कहना, इतने हसीन आदमी है मेरे अब्बा। बहुत हसीन आदमी, प्रस्थान से परियां इसमें थूकने आती। नहीं हमारी लाओ, आप दिखा रहे अल्लाह मालिक। परियों तब तो ठीक था, तुमने गलत बात की है बालबन। हम आएंगे लेकिन बच्चा अगर मुझे दिखा देते तो जरा। तुम्हें खाना है बच्चा? जब होगा तो दिखा देंगे, बच्ची तैयार करके लाएगा, दुल्हन दुल्हन बना। अच्छा मैं जा रहा हूं। बात सुने जी, इसको नहीं टाइम कर दे। क्यों? खुसरो ने चला जाना। अजीब लोग है यार। देखो अब मुझे अफसोस ये हुआ क्या कि बच्ची मेंटली डिस्टर्ब है। हाँ। लेकिन बाप है ना, आखिर वो भी शादी करना चाहता है। खुदा ताला बस हम सबको घरों के अंदर जो है ना, अल्लाह बच्चियों के नसीब अच्छे। आमीन। बच्ची का पैदा हो जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है उसके मुकद्दर का। बिल्कुल सही। अल्लाह किसी के बच्ची के मुकद्दर खराब ना करे, बस मेरी ये दुआ। हाँ जी, कौन है? सादा चिड़िया दा चुम्मा जी। क्या हुआ? हमारी बेटी हमारे से रुखसत हो रही। कौन सी बेटी? माशाल्लाह, बच्ची को बैठ के समझा दें और इसकी रुखसती करवा दें। आप कहाँ बैठना? बैठा मर्जी बैठ जाओ। आजा बैठ। आज में तो हमने पूरा दफ्तर ही धुलवाना। अब कालीन को बोला हमें बसरा ले जाए। बात सुने, हम बैठ गए, हमें गिटके दे दे जो हमने पढ़नी। बैठ जा चुप करके, माँ के कुल पे आए तुम लोग। माशाल्लाह लग के सारा साबुन 101। इसको समझा ना। क्या? मेरी बेटी दे। हाँ। हमारे घर से तू डोली में जाएगी। हाँ। वहां जाके सामने वाले का जनाजा निकाली। बहुत
गया भाई। कौन है आप? लो पिछड़े निकालो बाहर। ये भाई यही था। पैसा निकालो। पैसा हमारे पास कहाँ है बड़े बाबू? अरे 5 लाख रुपए दो हमें। 5 लाख रुपए होते, देखिए जरा इधर कर लीजिए। नहीं इधर जाएगी। अच्छा ठीक है, देखिए 5 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? अगर 5 लाख रुपए नहीं दिया हम तुम्हारी लड़की उठा लेंगे। वो अपना डाकू साईं। हाँ जी, बात ये कि हमारे पास 5 लाख रुपए नहीं है, लड़कियां कौन से उठा लेंगे? ये वाली। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना ताकत दी है और तुम्हारे बाप जो थे ना इतने बहादुर थे और तुम खानदानी डाकू हो तो हमारी लड़कियां उठा कर दिखाओ। ये नंबर किसका लिख दिया तूने? कौन सा नंबर? ये क्या? ये अजीब सा आदमी आया था उसका लिख दिया। 030 जी। आप भले 250 दे दो। ये क्या? कौन है? बाकपन लुट गया, आईना तोड़ दे, तेरी नींद लुटी, तेरा सपना लुटा, तेरा जो भी लुटा, तेरा अपना लुटा, आज के नहीं हूँ मैं, एक पहेली हूँ मैं, मेरा सब कुछ सड़े, अंजबन लुट गया, आईना। क्या हो गया? तो नजर आ रहा है। एक अल्लाह को मैं डरती, एक डाकू को मैं डरती, बाकी कोई भी आ जा, मैं अर्ज करूंगी हक मना, मैं अर्ज करूंगी आइस का आइस। बस बड़ी ज्यादती हुई मेरे से। अच्छा कितने आदमी थे? कब मगत मारे तेरा सत्यानाश है, वहां को गिनने का टाइम मिला हमें? हर आदमी आ रहा अपने जूते की रनिंग पूरी कर रहा, गुट्टी जा रहा मारा खुदा की कसम में तुम्हें क्या। अच्छा एक तुम्हारे साथ वो भी तो होती थी, पता नहीं ड्रिप की बोतल बच्ची, मेरी माँ मेरी बच्ची। हाँ अबार माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जिस हिसाब से इसने विग लगाई है ना, इसको 24 दिन गर्म जगह पर रखो, ये अंडा देगी। चंदा मामू। हाँ जी। डाकुओं ने हमारे स्पेयर पार्ट ही तब्दील कर दिए। तेरे ना पार्ट सही कहा, तू तो खाली खाली साइलेंसर ही है बेटे। बल्ला मेरे बाल काट के मेरी बच्ची को लगा दिए। देखिए मुझे कहते हैं ये पहन लो वरना गोली मार देंगे। अच्छा ये तो तब छोड़ा उन डाकुओं ने जब मैंने उसको 2 तावीज बना के दिए। मुझे ये अम्मी हमारी बड़ी तेज है, डाकू इसे कहते मैं गोली मार दूंगी। हाँ। ये कहते गोली ना मारना, डॉक्टर ने लोया बंद किया हुआ है। यार एक बात बताओ जी, सुनो एक सवाल पूछना मैंने। पूछे तुसी मैनू ये दसो ना, असि तुहानू कदी जमदिया वेखे है ना पैदा होंदे हो वेखे है जी, तुसी आंदे किधरों ते जांदे किधरों? ए मेरी जान ने अस्पताल दे के सर, ए तू ना पूछ। क्या करनी है? लगानी है और क्या करनी है? आयोडेक्स क्या जरूर मुंह से लगा ले। कहाँ लगाओगे आयोडेक्स? कुछ मखसूस जगह है। अल्लाह माफ करे बड़ा मारा। बहरहाल एक काम करो, आप लोग बाहर जाकर बैठो। हाँ। साहब आएंगे तो उन्हें मैं बता दूंगा। बाहर बैठना। अब हम नहीं बैठ सकते। हाँ। बस अब हम जाएंगे। हम कहाँ से बैठे? हाँ। हमारी बैठक ही खराब कर दी।
अब किसी अच्छी सोसाइटी में मुंह दिखाने का काबिल नहीं। अल्लाह माँ चलो जाओ जा रहे हैं। चलो का गाना गाओ लड़की अपने ही गाने गा रहे हैं कैसे गाना गाओ भी गा रहे जा रही हो मेरे मौला माजी मामू। हाँ मैं अब ये काम छोड़ दूंगी। फिर क्या करेगी? बस वही अपनी पुरानी गन्ने वाली मशीन लगा लूंगी। बात सुन। हाँ जी। इधर आ। हाँ जी। बच्चों की पैकिंग मिलती है? हाँ जी। हमारी कहाँ मिलेगी? चल चल चले आप चले प्लीज चल। चंदा मामू आज की बात नंबर दो वाली काम कर दी। अच्छा एक मिनट। हेलो 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 कौन है? मैं इंसान। इंसान? हाँ जी। अच्छा भाई इंसान। हाँ जी। मैं फोन किया नहीं? नहीं सर आपने खुद फोन किया, हमने फोन नहीं किया भाई। नहीं ये कौन कमीना है जो मेरी बीवी को मछवाना दे रहा है जिसकी शादी कर लो? ये कौन आदमी है भाई? मुझे क्या पता, आपने फोन किया, आप बोलो क्या काम है? मैं बोल रहा हूँ तो मुझे क्या बता रहा हूँ मैं, क्या उसका दूसरा हूँ क्या? नहीं तुम्हारे जैसा ये फोन आता है वो नंबर आया है ना हमारे घर में। अच्छा अच्छा तो चलो मेरी काम का फोन ना आए नहीं आएगा ठीक है। अरे ये फोन तू करता है? नहीं। फिर कौन कर रहा है फोन? कसम खुदा की मैं नहीं करता। खबरदार किसी किस्म का फोन किया। साहब आने वाले हैं। अच्छा सारी तैयारी सेटिंग है ना? बिल्कुल सेटिंग है। बाहर जाके लोगों को देखो जो वेटिंग रूम में बिठाए ना लड़की वाले, उनको जरा चेक कर लो सब बैठे हुए नहीं बैठे हुए। साहब आने वाले हैं। सर जी हाँ भाई आ जाओ भाई आ जाओ। सर जी कौन है? मैं हूँ। मैं सारी हो गया, सारी सेटिंग कर दी मैंने। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। हाँ क्या? एक तरफ आपने सेज लगाई, दूसरी तरफ ये जेल खाना, तीसरी तरफ वो कवर, ये समझ में नहीं आया क्या सिलसिला? ये लड़कियों को आजमाने का एक नई टेक्निक तेरे भाई ने निकाली। क्या मतलब? ये मेरी इजाद है। क्या? शादी की रात ठीक लड़की को घूंघट उठाओ, वो क्या बात करे वहीं से पता लगेगा वो किस टाइप की। ठीक है। उसका खानदान क्या है, उसका जर्फ क्या है, उसकी तरबियत क्या है, उसकी तालीम क्या है, उसको कितना पता है कि खामिन का क्या अदब है। ठीक। उसके बाद अगर बुरा वक्त आ जाए खामिन पर ठीक। और वो खुदा ना खास्ता पागल खाने या जेल खाने चले जाए ठीक। तो वो लड़की की हमदर्दी क्या हो, और अगर मर जाए तो कबर पे उसकी आमद क्या हो। इन तीन स्टेजेस को जो लड़की कवर कर लेगी अमेरिकन नेशनल होल्डर लड़का उसी से शादी करेगा। वेरी गुड। अब समझ आ रहा है? समझ आ गया। बस लड़का भी आने वाला है। जो लड़की आएंगी पहले इस मराहल से गुजरेंगी, तीन मरहले जी। समझ गए? ठीक है सर। अगर जिसमें जो लड़की सबसे ज्यादा होगी नंबर लिखते जाना, जो लड़की पास होगी उसकी शादी हो जाएगी। ठीक है। वो अमेरिका वाले लड़के का फोन आया था, वो आ रहा है। आ रहा है तो बस उससे आते शादी बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? आई एम कमिंग फ्रॉम यू नो कहवा ग्रीन टी ठीक। और मेरे ख्याल इस वक्त ये मुमकिन नहीं है, फिर किसी दिन सही। आप मेरी बात नहीं समझ रहे? समझ रहा हूँ आपकी बात, समझ रहा हूँ। आई नो दैट आप बेफिक्र हैं। मैं कैसे बेफिक्र हो जाऊं? मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को पहले समझिए। लड़कियों के वाले ना गए? हाँ, लड़की के वाले उनसे मिलवा दो। ठीक है। आइए भाई एक एक करके आ जाओ भाई। क्या कर रहे हैं? जबा करना है मुझे। भैया मेरी बेटी बड़ी जबरदस्त है और धड़ाधड़ बेटी है वो, उसी से शादी करना। आप चाचा कमर बाहर मैं तैयार करके ला रहे हो। आप मेरी बात सुने, आप ये वक्त सुनने का नहीं है, देखने का है। ये देखो कि अमेरिका के ऊपर रश कैसा पड़ेगा, ये देखो। मुझे लड़का पसंद आया। ठीक है। क्या है? ये बहुत अच्छा, आपकी बड़ी मेहरबानी। पीछे आपकी अम्मी की खबर है। चलिए
आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी बात सुने। मैं आप बेफिक्र रहे, जो कर रहा हूँ, जो आपके वालिद से बात हुई है वही कर रहा हूँ। वालिद साहब से क्या बात हो गई? मुझे मेरी लड़की का रिश्ता हो गया, मैं मिठाई भी साल ले। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बच्चा चढ़ाओ, बच्चे पे चढ़ाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बेफिक्र हो और बच्ची लेके पहुंचने वाली इंशाल्लाह। अरे आप क्या कर रहे हैं, मैं तो मजाक नहीं हूँ। नहीं क्या है ये, क्या हो रहा है सब कुछ? ये पाकिस्तान है, जवाई की इज्जत है, जवाई की, जवाई भाई, जवाई। हाँ जवाई भाई, जाने घर आई पर जाई ना ले आई जो आई। बस आप यूं समझ लीजिए कि इस वक्त आपकी शादी नहीं है, आपका उर्स हो रहा। मेरी बात नहीं, आप समझ रहे, आप गलत समझ रहे हैं। बस आप बेचे नहीं समझ रहे भाई, वो वैसे करके लड़कियों को बोलोगे ले आए। ठीक है जी, आप लड़कियों से मीटिंग कर लें, आप देख लें कि वो आपके मैार पे पूरी उतरती है कि नहीं। देखिए ओके, अगर उतरती है तो उसी को आप पसंद करें। सर पहली लड़की। हाँ ले आइए जी, आप आ गए प्लीज, छोड़ दीजिए, आइए आइए। सर मशरिक के काउंसिल हैं, घूंघट उठा रहे, घूंघट उठाऊंगा लेकिन ये आप प्लीज घूंघट उठाएं और देखें कि मशरिक के में क्या जल गए हैं। पहले नोट में क्या कर रहे हैं आप? ये माफ कीजिएगा, ये रकास है। उठा मैं क्यों उठू, मैं दिमाग खराब है, बीच में आई, मेरा इंट्रोडक्शन भी करवाना था तुमने। ये आप नहीं है इस टीम में। ये क्या बात है, मैं आप, नहीं हूं। आप पोल बी में है, पोल बी में। और मेरा हाथ घसीट के ले आई, मैं समझा मेरी लड़की है। ये तो ये किसी की भी लड़की नहीं है, ये मुतनाजा बच्ची है। आप जाइए, आप बेफिक्र होकर आप बाहर बैठे हैं। ये क्या बात है, मैं सृष्टि में क्यों नहीं हूँ? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ मजार है, यहाँ बेहरमती नगर। चले बात मैं दुआ कर लूं। हाँ दुआ कर लो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। बाप वैसे मेरी शादी करवा दो, अच्छा ये कोई बात नहीं हुई। आप बैठो ना, बाहर बैठो ना। मैं आपके मसला क्या, आप मेरे साथ क्यों दुश्मनी ला रहे हो बाजी? आप बाहर बैठो बाजी, आप बाहर बैठो। आज तुम्हारी शादी होगी, आज होगी, पक्की करवाना। अच्छा पक्की कवर कराएंगे, पहले मैं काफी कच्ची कर चुकी हूँ। क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्यों ऐसा कर रहे हो? I'm sorry. मुझे माफ, मुझे माफ। आपको समझने में गलती लग रही है। मुझे माफ, मुझे माफ। बेहतरीन अमेरिकन दिमाग। गुलाम सर, बुला बुला बुला, आइए प्लीज। आप यही रुक जाए अम्मी, आप यही रुक जाए जी। नहीं आप यही रहे, आपका टैलेंट है, आप यही रहे। मैं साथ जाऊंगी। बस बस आप आ जाइए बाहर, आप किसी बाहर जाकर किसी से भी गूंगल उठवा लीजिए। अब आप गूंगल उठाएंगे और देखेंगे कि मशरिक क्या है। खा लेते हैं आपके कहने पे चले। तुम्हें माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि किसी के कमरे में आते हैं नॉक करके आते हैं, और तुमने आते मेरे डायरेक्ट गूंगल उठा लिया। सिगरेट पीने का टाइम है, जल्दी जल्दी छुट्टे लगा लो ना, हमारी शादी हो गई, छुट्टे मारो जोर जोर के, आधा बुझा दो क्या हो जाएगा। मेरी पहले तो ऐसी शादी में ही हुई थी। शादी ये क्या है? ये डिप्लोमा होल्डर है जी, डिप्लोमा। मिसाल के तौर पे आपने ये देखा, आप अपने जहन में रखे कौन क्या कर रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आपके शोर ने बैंक फ्रॉड कर लिया, पैसा खा गया, कर्जा हड़प्पा कर गया और चला गया कहीं खुदा ना खास्ता जेल में, आपकी सोच क्या होगी? इधर से जेल में आई। आई किस केस में भाई? ये बुजुर्ग केस है। और यू घटियास, तुम्हें शर्म ना आए? मैं आराम से, तुम आराम से यहाँ खड़े हो, मैं टेंशन में इतनी सिगरेट पी जा रही हूँ। तुमने हुकूमत का पैसा हड़प कर लिया, मुझे जरा ना बताया कि कहाँ छुपा कर रखे, अपनी बहन के जेज के लिए छुपा कर रखे तुमने। अगर तुमने कत्ल ही करना था, कत्ल करके जाते, मेरी सोसाइटी में इज्जत तो रह जाती। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप
आफरीन ये समझ लीजिए कि शोहर मर गया। आप भर जाए भाई कब्रिस्तान से बाहर निकल जाओ, मैं इधर आ जाओ, वो मुसलमानों का कब्रिस्तान है। तो फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? ये कब्र पर बिच्छू जी। ओ मियास, मुझे तो पता नहीं था तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़कर चले जाओगे। मियास, मैं दूंगी तुम्हारी नियास। ये वो मिसाल सच्ची हो, वो बोलते ना कब्र में से 70-70 निकलेंगे, इसकी वजह से मियास निकले। तुम ये मत समझ लेना कि मैं तुम्हारी कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए आई हूँ। नहीं, मैं तो ये देखने आई हूँ कि तुम्हारे बराबर में किसी औरत की कब्र तो नहीं। बीच में दीवार दीवार भी, ये इधर हशमत बीबी की कब्र है। वाह वाह, क्या बात, क्या तरबियत है। अरे वाहन ने क्या कर दिया तीरे तुझे रे अल्लाह रे। जब तुम मारे थे तुम पानी मांग रहे थे, मैं उस वक्त मैं तुमसे पूछ रही थी प्रॉपर्टी कहाँ है, कॉर्ड्स नंबर क्या है तुम्हारे, तुम मुझे कुछ बता करने गए। बड़ा दोगला आदमी था। वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। आपको इन्होंने देख लिया और आपने इन्हें देख लिया और जीवन की मेरा मतलब है जीवन साथी की तलाश अभी जारी है। आप एक मरहले से गुजर चुकी हैं, आप बैठिए, रिजल्ट अनाउंस होगा तो आप तशरीफ लाइए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? ये शादी के इंटरव्यूज हो रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं? और भाई जान, आप छोड़िए इन बातों को, समझ समझा रहे हो? आइए आइए खातून, आइए। शहनाई बज रही है जी। हाँ हाँ हाँ, दोस्त छोड़ के गए हैं, सहेलियां हंस रही हैं। ये माहौल बना रहा, माहौल बना रहा। आप घूंघट उठाते हैं, शहनाई बज रही है, ता 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 ता। महसूस हो गया कि ये क्या है, क्या है? आइए जेल में, जेल में आ जाओ। खामिन जेल चला जाए तो मच्छी की लड़की तड़प उठती है, रोटी नहीं खाती, रातों को सोती नहीं, मजारों पे दुआएं करती है, अल्लाह से दुआ मांगती है और खत्म कराती है, न्याज देती है, फितरे सदके देती है कि मेरा खामिन घर आ जाए। आपके साथ ऐसी सिचुएशन है, आइए। बहुत सख्त जरूरत है, मोबाइल का बिल पे करना है, मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो मैं मालूम है अभी मैं जेल आ रही थी, मुझे कितनी टेंशन हुई, जेलर मुझे देख रहा था, मेरे पास नया ड्रेस भी नहीं था पहनने को, हालत में यहाँ आई हूँ। ये तो बुरी बात, बुरी बात, ये तो कैदियों में आपकी थूथू हो जाएगी। देखिए बुरी बात, कितनी गलत बात है, तो तुम बताओ तो सही, तुमने डाका डाला
उसने कहा है? हाँ वो तो बताओ कहा है? क्या है? मैं तुम कर लिया, आप समझ नहीं रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा करके जेल में क्या बुला रही है? आप तो जाते कर रहे हैं यार, काम की जिंदगी क्यों? देखिए आप मुझे बताइए मैं कैसे जेल में रोज रोज आऊंगी? नहीं रोज तो नहीं आना आपको, रोज तो नहीं आना, साल के साल आना है। साल के क्या बरसी पे आएगी मेरी, क्या हो गया आपको? आप मेरी बात, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे मेरी बात। बंदा भी शो हो गया कि कौन है। आया कब्रिस्तान, आप कब्र पे आई हैं? पहले तो आप कब्रिस्तान में ऐसे दाखिल हुई कि आधे मुर्दे आपके पीछे चल पड़े। ये कौन है? मैं गोरकन कब्रिस्तान का। और तुम कौन हो? मैं बराबर वाला मुर्दा हूँ। पाकिस्तानी मुर्दा। सबसे ज्यादा गम ऑर्गन वाले को है। सही बात, दुखी म्यूजिक बजाया। हाँ जी आइए। डार्लिंग मुझे उम्मीद थी कि तुम शादी के बाद जल्द ही मर जाओगे। क्या अल्लाह ने उम्मीद पूरी की है ना? बस मैं तो यही दुआएं करती थी तुम जल्दी से मर जाओ, मेरी जान छूट जाए। बहुत परेशान करता था मेरा शौहर मुझे, इतना तंग किया हुआ था, यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ, ये सब बातें मुझे पसंद नहीं। नहीं जी खुद छोड़ के आना चाहिए, सबको अटेंड कर ले। तो मैं उनसे भी मिल ली। ओह देखा आपने, ये है मशरूमियत का एक स्टाइल। आप बैठिए, रिजल्ट अनाउंस होते के साथ ही आपको बुलाएंगे। इस हल्के से मुंतखब कौन हुआ? आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? आप देखिए गलत समझ रहे हैं, मैं इस तरह का आप भाई आप चुप कर जाए बस। अपने भाई का टैलेंट देखिए आप, ये आपका भाई जूस कैसे निकाल गया पीने। डॉज डॉजिंग कर रही है, डॉजिंग। अब बच्ची के साथ क्या कर रहा था? अरे भाई घूंघट उठा रहा है, रेलचल हो रही है शादी की रेलचल। अब तो उसको तो आता भी नहीं है, मैं उठा के दिखाता हूँ। तू भी आजा, बड़ा मजा आ रहा है। आप जाए बैठे, कोई ऐसी बात नहीं। अरे नहीं भैया ये चीख ली है भाई, वो बच्ची ऐसी आपकी। आप जाए देख लो भैया, मस्त किस्म की है कोई। आप बैठ जाए, यहाँ यहाँ बैठ जाए। हाँ मैं बैठ जाऊँ, बैठ जाए प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ जी। ये छापा मरवाएगी, ये मुझे अम्मा छेड़ रहा है। खामी दे तुम्हारा, खामी दे, गली में नहीं मिला, खामी दे, खामी दे, खामी दे, चल शाक शाक, चल शाक। ना भाई, उधर है? ये मुझे दूल्हा भाई कह रही है, मेरे बच्चे तो मेरे मामू कहेंगे। क्या हो रहा है? प्लीज प्लीज दूल्हा भाई टच के टच। चलो मेरे भी बांटो, मेरे भी बांटो, मेरे भी बांटो। अरे बाहर देखना, अंदर ना आ जाए। ये क्या हो रहा है? 500 का बादशाह दो, 500 का बादशाह बाहर। अबे इसे क्या फ्लैश सिखा के लाया तू? मलंग टाइप की है ना? ठीक है, नो प्रॉब्लम। आओ जेल में आओ, जेल में आओ। क्या कर रहे हैं सर? आप आ जाओ, आप आ जाओ, चलो आइए, जेल में, जेल में। शादी हो ये हाथों में पहन लो, हाथों में पहन लो। अरे पैरों में पहन। लग रहा बनारस का रीच है। इधर देखो, ये तुम ले लो, तोहफा दिया मैंने। तुम्हारा खामिन पकड़ा गया। वाह कितना मजा आ गया। वाह मुझे बताया भी नहीं,
आ गए यहाँ पर। हाँ नहीं तो सुना यहाँ पर ट्रॉफी मिलती है। दुआ करते हैं खामिन के लिए, दुआ करते हैं। दुआ? मुझे बहुत दुआ आती है और मेरी तो दुआ ना लग भी जाती है जल्दी। अच्छा। मैं ना इसके लिए दुआ करूंगी अल्लाह तुझे फांसी हो जाए और जब तू मरे ना तो तेरी जबान ऐसे निकल जाए और फिर लोग सारे देख के ये कहे मर भी गया फिर भी जबान बाहर निकली हुई चिढ़ा रहा है। घूमना नहीं है ये पार्क में नहीं आई। अब जूती तो नीचे रख दे साहब। हामिद की कब्र है। किसकी है? हामिद की। किस चीज की है? मट्टी की है। तूने प्लास्टिक की बनवानी थी। अल्लाह कितनी अच्छी कब्र है। बहुत अच्छी है। ये अच्छी है। अंदर चलिए अंदर चलिए। ये वाला ले लो मैं सूट बना लूंगी सूट। चले आप बाहर बैठे आपका रिजल्ट आना उसको। चले शाबाश। तो इतनी बड़ी बड़ी चप्पल 10 नंबर का पहना तेरा। छुट्टी हाँ तेरी छुट्टी हो गई तू प्राइमरी में आई। चल जा दिमाग खराब कर गया खराब है। क्या बैठे थे आप? आप देखिएगा कि आपके भाई का टैलेंट देखे क्या बना दिया मैं। आप देखिए भाई आइए। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा एक फोन करना है। फोन फोन शमसा जानू मैं बहुत परेशान हूं। जानू सुन चल बात निकल बात निकल चल बात मैं तो डर ही गया था। मैंने कहा मैंने इसका भी घूंघट उठाना है। ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? इसकी समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं? मैं क्या टाइम वेस्ट ना हो खांसी में भी बात करूंगा ना। अब आइए प्लीज आइए। आपका मैच फिक्स हो गया। किसी ने पैसे पकड़ लिए। नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई ना तो मेरी शादी नहीं करवा रहे। आखिर मुझ में कमी क्या है? मुझ में तो कैल्शियम भी पूरा है। आप में शराफत की कमी है। आप ऐसी बात ना करें बस अगले नंबर पे। हाँ मैं अमेरिका में ऐसी फिट होंगी ना जाके। आह पाजी ओ पाजी आप प्लीज बाहर बैठिए। आप पोल बी में हैं। ये पोल बी पोल ए में नहीं तब्दील हो सकता। अमेरिका भेजना है सांगड़ वांगड़ होता तो मैं आपको चला देता। फॉरेनर कंट्री है ये। देखो मुझे पीए ये का एरोप्लेन बनाते तो अच्छी बात है लोकल बना के छोड़ दिया। ये बीच में ये एडवर्टाइज नहीं आती सीरियल के बीच में ये वो है। सर बुलाओ ना आ जाइए आइए प्लीज आराम से बैठिए आराम से आराम से आ जाइए आइए आइए आप इनको वहीं बैठा दो। आप वहाँ बैठो। हम आ बैठे हैं आपकी बेटी का फोन आएगा बाद में। लेकिन ये मेरी बच्ची है। आप फिकर ना करो आपका जो बनेगा दे देंगे।
कोई सी बात नहीं है, ये दिस इज रियल सर। ध्यान रखना, चुई मुसी बेटी है मेरी। अरे यार हम खुद माँ बहने वाले लोग हैं, कोई क्या समझ रहे हो, हम लोग कोई शरीफ लोग। हाँ प्लीज, शहनाई बज रही है, आप गुड रहा है। बड़े बड़े बच्चे मेरे पहनने वाली, मैं मार दूंगी तुम्हारा झूला। मेरा नहीं है, तुम्हारा झूला है री। ये तुम्हारा झूला है पुष्पा, पुष्पा ये तुम्हारा झूला है। ये तो नकली है। मैं तो जान ही निकाल दी थी। हाँ ये सिर्फ पिस्तौल नकली है, दुल्हन असली। अब इसका घूंघट उठाऊंगा। मैंने उठा लिया, आगे बोलो। ठहरो ठहरो, आजी मुझे पर्दा करने दो। गर्ता वाला बाप है, गर्ता वाला। अब जल्दी बोलो, चीजें भी गिरनी शुरू होगी। घूंघट उठा लिया जी। हाँ क्या बोले? अब आपने कहना जो आपके दिल में है वो बात करें ना, मेरी शादी होती ना। हाँ जी तुम देखते मुझे देखते मैं कितना फास्ट आदमी हूँ। चलो उसको एक्सपीरियंस है, आप आगे बोले। वो तो एक्सपर्ट बनना ढूंढ रही है। यार तुम लोगों से बहुत ही नहीं होती, मेरी शादी हुई थी, मैं गया हूँ, घूंघट उठाया और सीधा सा पूछा क्या हाल है बहन। देखे मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। हाँ? और मेरी आपसे शादी हो गई, ये जुल्म है, मेरी आपकी शादी हो चुकी है। मेरी आपकी शादी जेल में, जेल में, जेल में, जेल में, इसे जेल में, मैं जेल में, ये जेल क्या, जेल ठीक है। तुम्हारा मियाँ जेल में, हाय जेल चला गया। तुम्हारा मियाँ जेल में, तुम टीवी के खेल में, तुम्हारा बाप रेल में, ये तुम्हारी लाइफ हो गई। आओ जेल में चला गया। हाँ चलो शुक्र है, शुक्र का सांस लिया। क्या इसको मैं ले रही हूँ मैं? नहीं। हाँ इसको तो फराने हैं। क्या कहना, हाँ जेल चला गया। असल में जानू पता है क्या हुआ? दरअसल बात यह है, पुलिस वाले मेरे अब्बे को पकड़ने आए थे, हम लोग चर्च भेजते हैं ना। कब्रिस्तान में आओ, कब्रिस्तान में आओ, ये पार्टी खतरनाक है, कब्रिस्तान में। शहर की कब्र, शहर की कब्र पे। चलो अच्छा हुआ ये भी मर गया, पिछला भी मर गया था, उससे मिलके आई हूँ मैं, उसकी कच्ची कब्र बनवाई थी मैंने, कम वक्त के ऊपर दूसरी कब्र बन गई। तुम्हारी कब्र उधर की उधर ही है, तुम्हारी कब्र में कोई कब्र मरे बच्ची लेके बाहर बैठो, अपना क्या ना तेरा खुदबुद्धि। चलो साहब खुदबुद्धि, ये पुरानी बिल लेके बाहर बैठो। बस इंशाल्लाह वैगन भी अल्लाह देगा। चलो साहब अच्छा जब रिजल्ट आउट हो तो मुझे बुला लेना, रिजल्ट आउट होगा सारी दुनिया को पता लगेगा। सर आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी बात, लड़कियां पूरी हो गई। हाँ जी लड़कियां पूरी हो गई, आप लड़कियों को बुला लो। हाँ जी और उन्हें लाइन से खड़ा करो और रिजल्ट अनाउंस होंगे। आइए ये देखिएगा कि आपके भाई ने काम क्या किया, ये सुनने वाली बात है, जो होने वाली। ओ भाई हल्का बाबर का कब रिजल्ट आउट होगा। आइए दुल्हन एक तरफ, दुल्हन एक तरफ, अब्बा एक तरफ। चलो ना यार तो पता नहीं है क्या उधर जा, हम लोग उस तरफ। आ जा आ जा, ओए इधर मर्दाने डब्बे में आ, आप उधर चलिए लेडीज में प्लीज। लो जी अब रिजल्ट अनाउंस होता है, ये वो है जो ग्रीन कार्ड होल्डर और अमेरिका से आए हैं, इन्होंने अनाउंस करनी है लड़की। हाँ बताइए आप उसे लड़की पसंद कौन सी आई है? आपको मैं कब से समझाऊं, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं कोई लड़की लड़की देखने नहीं आया, मैं गैस के महकमे से आया हूं, गैस इंस्पेक्टर हूं, आपका मीटर काट रहे हैं। जंगल गैस, आप घबराए मत, घबराए मत, हमें गैस कर दिया। बताओ पहले नहीं बताया, सारी लड़कियां चेक कर लिया हमारी तुमने, कोई मसला नहीं, हमारे पास और ग्रीन कार्ड होल्डर रिश्ता भी तो है, वो आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप कहते थे ना
कि मेरे बेटे को रिश्ता नहीं मिलेगा? अरे कहां से मिलेगा, कभी मिल नहीं सकता, उसकी शादी हो नहीं सकती। जान जैसी खूबसूरत दुल्हन ढूंढी अपने बेटे के लिए। अरे किसके नसीब फोड़ दिए भाई तूने? अरे ये लड़कियां उसके आगे कुछ भी नहीं, इतनी खूबसूरत दुल्हन लेकर आए अपने बेटे के लिए। अच्छा आ जाओ बेटा। वाह भाई, दुल्हन तो वाकई में बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये पढ़ी लिखी लड़कियां छोड़ करके आप एक सीधी सादी लड़की को लेकर आए क्यों? अरे ये मशरिकी हुसन है, मशरिकी हुसन। मगर आपने मशरिकी हुसन की बेकदरी करी, उस लड़के से आपने शादी करी जो आपने बताया था, जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, जबान नहीं, दांत नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, उससे इस मासूम की शादी करके आपने उसकी जिंदगी को दाग लगा दिया, गहर लगा दिया इस चांद में आपने। ठीक कहा था मैंने कि मेरे बेटे के हाथ नहीं है, नहीं है वो हाथ जिससे वो रिश्वत ले, जिससे किसी का गला घोटे। नहीं है वो जुबान जिससे वो बाप से मां से बदकलामी करे। नहीं है वो आंखें, नहीं है वो आंखें जिससे किसी की मां बहन की तरफ बुरी नीयत से देखे। अरे अरे नहीं है, नहीं है खुराक की नानी उसकी जिससे वो हराम हजम करे। नहीं है वो पैर, नहीं है वो पैर जिससे वो बुराई के रास्ते पे चले। अरे मेरा बेटा नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता अपने मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात। अरे मुझे तो बेटे के लिए जान सी दुल्हन चाहिए थी, मशरिकी हुसन। अरे इन जैसी लड़कियां तो अमेरिका की हर चौक, हर क्लब, हर गली में मिलती है, बेरा रवि का शिकार। अरे मैं तो ऐसी दुल्हन अमेरिका लेकर जाऊंगा कि जब ये वहां जाए तो अमेरिकन औरतें भी पलट पलट कर रश भरी नजरों से इसे देखे और पूछे कि ये कौन है, तो जवाब मिले पाकिस्तानी शर्म हया में लिपटी हुई पाकिस्तानी औरत है ये।